दोस्तों, अगर आप वे काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी ही तरह सफल न बनाए। तो दोस्तों, आज के इस थॉट ऑफ द डे को ध्यान रखिएगा। अगर आप वे काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी तरह सफल होने से रोक सकता है। फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल के मोस्ट सेलेक्टिव इमेज बेस्ट और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो आज आप देखेंगे। मस्कुलोस्केलेटल एग्जाम का मस्कुलोस्केलेटल का क्वेश्चन सेशन इमेज बेस्ट इस सुपर लेक्चर से बाहर कभी नहीं होने वाला है। तो दोस्त, अभी एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा सेंटर शुरू किया गया, और ट्रॉमा सेंटर, जब हमने सुना कि ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ट्रैक्शन के, ट्रैक्शन या फिर स्पाइका या फिर थॉमस स्प्लिंट या फिर ब्रास, और या फिर हो सकता है बच्चे फ्रैक्चर के टाइप्स, या फिर हो सकता है इंसीजंस, बॉडी इंसीजंस। तो आज मस्कुलोस्केलेटल के टोटल टॉपिक कवर करते हैं। आइए चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के इमेज बेस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला ट्रैक्शन, ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फुल फ्लश ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। दूसरा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर, स्पाइका, क्रच, वॉकर, कैन, स्प्लिंट, स्टिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्कुलोस्केलेटल में आपको बार बार परेशान कर रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या थी कि आप यूनिट वाइज इमेज बेस सर्च करते तो क्या क्या सर्च करते, एक इमेज कहाँ से मिलती है, एक कहाँ से मिलती है, एक कहाँ से मिलती है। तो मेरा स्टूडेंट हमेशा इसलिए परेशान रहा करता था कि यार इमेज बेस क्वेश्चन, इमेज बेस क्वेश्चन, इमेज बेस क्वेश्चन, कहाँ से करूं, कैसे करूं, कौन सी इमेज आएगी, कैसा फोटो आएगा। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वुगली स्टूडियो और वुगली सर आपके साथ है, और जब तक वुगली सर आपके साथ है तब तक श्योर डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम अब नहीं आने देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एमपीसीएचओ का रिजल्ट आया है, और एमपीसीएचओ के रिजल्ट में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सब स्टूडेंट्स को वुगली स्टूडियो की तरफ से, एमसीआई करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से और अशोक साहू सर की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, खूब आप खूब फले फूले, खूब तरक्की करें, और बहुत बेस्ट रैंक के साथ आपका सबका सिलेक्शन होगा। डेफिनेटली ये जो अभी एग्जाम है इनमें आप सबका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रुकेगा सिलेक्शन से। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। अनस्टीन, तो देखिएगा बच्चे, सबसे पहली बात मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल जानकारी देता हूं, एब्डोमिनल और पेल्विक इंसीजंस। तो दोस्तों, ये टॉपिक हो सकता है इस 2020 एग्जाम का। इसको नाम दिया है मैंने 2020 साल, ये 2020 2020 ईयर है, और 2020 ईयर में एम्स के एग्जाम्स के अंदर इंसीजन का एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो बच्चे, इंसीजन तीन टाइप से किए जाते हैं, सर्जरीज, डिफरेंट टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी बॉडी के सर्जरी करने के लिए, सर्जरीज के लिए तीन टाइप से इंसीजन करते हैं, वर्टिकल इंसीजंस, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक इंसीजंस। थर्ड टाइप के होते हैं एब्डोमिनो थोरेसिक इंसीजन, एब्डोमिनो थोरेसिक इंसीजन। तो तीन टाइप के, वर्टिकल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, एब्डोमिनो थोरेसिक इंसीजन। अब जो वर्टिकल इंसीजन होते हैं वो या तो मिड लाइन पर होते हैं या पैरामीडियन प्लेन पे होते हैं। मिडलाइन या पैरामीडियन प्लेन पर किए गए, मिडलाइन या पैरामीडियन प्लेन पर किए गए इंसीजन को वर्टिकल इंसीजन कहते हैं। बच्चे, सेकेंड होते हैं ट्रांसवर्स या ओब्लिक इंसीजन। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कॉचलर्स, सब कॉस्टल इंसीजन, कॉचलर्स, सब कॉस्टल इंसीजन, ट्रांसवर्स मसल डिवाइडिंग, मैकबर्नी इंसीजन, ऑब्लिक मसल कटिंग एंड पेपनेस्टियल इंसीजन और मैलार्ड्स इंसीजन। तो ये कुछ इंसीजन का इंट्रोडक्शन था। अब मैं दिखाता हूँ इंसीजन कौन कौन से होते हैं। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसी तरह का इमेज एग्जाम में आएगा, और आपको मार्क करके दिया होगा, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इस तरह की नाइन लोकेशन आपको बॉडी पर बताई हुई है और इंसीजन बताया हुआ है बच्चे। और ये टॉपिक बड़ा जानदार टॉपिक है एम्स में,
हो सकता है आपको 2020 जो एम्स का एग्जाम होने जा रहा है, चाहे वो ऋषिकेश से या फिर दिल्ली एम्स से, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा श्योर। मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। ओके, बाकी आप जानो, मेरी तरफ से तो इसको मैं 5 स्टार देने वाला हूँ। 5 स्टार टॉपिक है। सबसे पहला बच्चे, जो नंबर 1 इंसिजन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इंसिजन जो आप देख रहे हैं इस लोकेशन पर, ये वाला इंसिजन कहलाता है कॉचर्स इंसिजन। कॉचर्स इंसिजन क्या नाम है इसका? कॉचर्स इंसिजन क्या नाम है? लोकेशन फर्स्ट वाला जो इंसिजन है, इसका नाम है कॉचर्स इन, ये इंसिजन जो आप देख रहे हैं बच्चे, और इस इंसिजन का नाम है मिडलाइन इंसिजन। क्या नाम है? मिडलाइन इंसिजन। नंबर 2 लोकेशन पर जो इंसिजन है बॉडी पर, इस तरह से जो मिडलाइन को क्रॉस कर रहा है, दैट इज मिडलाइन इंसिजन। ओके बच्चे, नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो इंसिजन देख रहे हैं आप, ये इंसिजन आप देख रहे होंगे 3rd नंबर का इंसिजन, और 3rd नंबर के इंसिजन का नाम है मैक बर्नी इंसिजन, क्योंकि मैक बर्नी पॉइंट का इंसिजन है, और इस इंसिजन को कहते हैं मैक बर्नी इंसिजन। क्या कहा जाता है? मैक बर्नी इंसिजन। नंबर 4 लोकेशन आप देख रहे हैं मिडलाइन के नजदीक, मिडलाइन के नजदीक जो इंसिजन किया जा रहा है, इसे कहा जाता है बच्चे बैटल इंसिजन। नंबर 4 लोकेशन है बैटल्स इंसिजन। नंबर 4 लोकेशन पे कौन सा इंसिजन है? बैटल्स इंसिजन। नंबर 5th लोकेशन पे आप एक इंसिजन देख रहे होंगे, नंबर 5th लोकेशन पर ये जो इंसिजन देख रहे हैं बच्चे, दैट इंसिजन इज कॉल्ड लेंज इंसिजन। क्या कहा जाता है? लेंज इंसिजन। नंबर 5th लोकेशन पर जो इंसिजन आप देख रहे हैं, दैट इज लेंज इंसिजन। नंबर 6 लोकेशन पर जो आप इंसिजन देख रहे हैं, ये इंसिजन मिडलाइन के नजदीक है, और लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन है, और मिडलाइन के नजदीक है बच्चे। नंबर 6 लोकेशन पर पैरामीडियन इंसिजन है, ये जो इंसिजन हम देख रहे हैं, दैट इज द पैरा पैरामीडियन इंसिजन। दिस इंसिजन इज पैरामीडियन इंसिजन। क्या बोला जाता है इसको? पैरामीडियन। तो दोस्तों, हमसे इसी तरह का डायग्राम दिया जाएगा, और उसमें इंसिजन की लाइन मार्क की हुई होगी, इंसिजन मार्क करके दिया होगा, और पूछेंगे इस इंसिजन को क्या कहा जाता है। नंबर 7 जो इंसिजन आप देख रहे हैं, ये इंसिजन इस तरह का इंसिजन है, जिस तरह से डायफ्राम का पोजिशन होता है, और नंबर 7 इंसिजन को कहा जाता है ट्रांसवर्स इंसिजन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स इंसिजन। 7th वाले इंसिजन का नाम है बेटा ट्रांसवर्स इंसिजन। नंबर 8 जो इंसिजन देख रहे हैं आप, ये इस तरह का इंसिजन है यहाँ पर, और इस इंसिजन को कहते हैं रदरफोर्ड मॉरिशन इंसिजन। नंबर 8 जो इंसिजन देख रहे हो, नंबर 8 इंसिजन को कहते हैं रदरफोर्ड मॉरिशन इंसिजन। रदरफोर्ड मॉरिशन इंसिजन, रदरफोर्ड मॉरिशन इंसिजन, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। और नंबर 9 जो इंसिजन आप देख रहे होंगे लास्ट में, ये वाला, दिस इंसिजन इज नंबर 9 इंसिजन, और इसे कहते हैं फेनेस्टियल इंसिजन। क्या कहते हैं? पी साइलेंट होता है, FANESTIEL, फेनेस्टियल इंसिजन। ठीक है बच्चों, तो टोटल 9 लोकेशंस होती हैं इंसिजन, जो हजार यानी कि सर्जिकल ऑपरेशंस करने के लिए बॉडी पर 9 मार्क्स किए जाते हैं। 9 तरह से इंसिजन किया जाता है, पूरी बॉडी के एब्डोमिनो पेल्विक सर्जरी करने के लिए बॉडी पर 9 लोकेशंस होती हैं जिन पे इंसिजन करते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन कॉचर इंसिजन, सेकेंड लोकेशन है मिडलाइन इंसिजन, 3rd लोकेशन मैक बर्नी इंसिजन, 4th लोकेशन बैटल इंसिजन, 5th लोकेशन लेंज इंसिजन, नंबर 6 लोकेशन है बच्चा पैरामीडियन इंसिजन, 7th लोकेशन जो आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स इंसिजन, 8th लोकेशन होती है रदरफोल्ड मॉरिशन इंसिजन, और 9th लोकेशन होती है फेनेस्टियल इंसिजन। टोटल 9 9 मार्क्स ऑन द बॉडी टू डू द एब्डोमिनो पेल्विक सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिडलाइन इंसिजन, यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है मिडलाइन इंसिजन को लेकर के। मिडलाइन इंसिजन यहाँ पर कहाँ है? ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं, ये नंबर की लोकेशन जो आप देख रहे हैं, 2nd नंबर वाला, ये मिडलाइन इंसिजन है बच्चों। मिडलाइन इंसिजन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स इन एब्डोमेन और रेट्रोपेरिटोनियम। तो जस्ट बच्चों ध्यान रखना, एब्डोमेन कॉमन इंसिजन होता है मिडलाइन इंसिजन। कौन सा बच्चों? मिडलाइन इंसिजन। अंडरस्टैंड गाइस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल ना, यस और नो? सर्जरीज एंड रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरीज।
क्लियर है, बात आगे बढ़ाएं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन के बारे में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन, इट अफोर्ड्स द एक्सीलेंट एक्सेस टू द गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी ट्रैक्ट। तो गाइज यू नो दैट टू एक्सेस द बाइलरी ट्रैक्ट एंड टू एक्सेस द गॉल ब्लैडर विच इंसिजन इज प्रेफर्ड इन द बॉडी। तो जस्ट वी नो दैट कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन, कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन एंड हियर यू सीइंग द कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन। आप देख रहे होंगे कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन, कोचर्स सब कोस्टल इंसिजन, दिस इंसिजन इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ द गॉल ब्लैडर सर्जरी और इन केस ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट टू अफोर्ड्स एक्सीलेंट एक्सेस टू द गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज कैन ऑल्सो बी आस्ड, यू आर सीइंग इन दिस डाइग्राम। तो ये एक सैंपल डायग्राम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड, बॉडी का एरिया होगा, उस पर एक इंसिजन लाइन बना रखा होगा, तो दैट इंसिजन इज द मैक बर्नी इंसिजन, इंसिजन ऑफ चॉइस फॉर द अपेंडेक्टॉमी। यू नो दैट दिस इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। दिस इज इंडिकेटिंग द मैक बर्नी इंसिजन, इंसिजन ऑफ चॉइस फॉर अपेंडेक्टॉमीज। तो व्हेन वी डू द अपेंडेक्टॉमीज, दिस इंसिजन इज नीड ऑन द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, दिस इज द मैक बर्नी इंसिजन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसिजन, क्वेश्चन आस्क, व्हाट इज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसिजन, देन यू विल आंसर सर इट इज मैक बर्नी इंसिजन। देन होता है फेनेस्टाइड, फेनेस्टाइड, फेनेस्टाइड इंसिजन, यूज्ड फ्रिक्वेंटली बाय द गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट फॉर एक्सिस ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, ब्लैडर, प्रोस्टेट। ध्यान रखिएगा, पेल्विक ऑर्गन, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट का सर्जरी यदि करना है तो विच इज द इंडिकेटेड इंसिजन बच्चों, फेनेस्टाइड इंसिजन इज इंडिकेटेड फॉर द यूरोलॉजिस्ट, मोस्टली दिस इंसिजन इज प्रेफर्ड यूरोलॉजिस्ट के लिए, ये इंसिजन डेली यूज में आने वाला इंसिजन है। गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट फॉर एक्सिस ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, ब्लडर एंड प्रोस्टेट। गाइस यू नो दैट, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, वैसे इतने लेवल से आपसे नहीं पूछा जाएगा, यूजुअली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेनेस्टाइड इंसिजन, फेनेस्टाइड इंसिजन का लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर, मेड यूजुअली 5 सेंटीमीटर अबोव टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। What is the accurate location of the fenestride incision? Then it will be made above the 5 centimeter, above the 5 centimeter of symphysis pubis. So when we made the incision above symphysis pubis, 5 centimeter above the symphysis pubis, it is the fenestride incision. It is usually 12 centimeter long and mostly used in the gynecological procedures. Urologists use karte hain. टू एक्सेस द पेल्विक ऑर्गन, ब्लडर एंड प्रोस्टेट। ओके बच्चे, अब आता है नेक्स्ट सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन में मैं पूरे क्लियर करवाने वाला हूं एक के बाद एक, वन बाई वन रोटेशन। रोटेशन का क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स या ऋषिकेश एम्स में रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, श्योर है। तो रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पहला रोटेशन में जो शो कर रहा हूं, ये वाला रोटेशन देखिए आप, इसमें बच्चे इसे कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन, ये होता है एक्सटेंशन एंड इसे कहते हैं फ्लेक्शन, क्लियर। तो तीनों रोटेशन देख रहे हैं, दैट इज फ्लेक्शन, गर्दन को नीचे झुकाना फ्लेक्शन, इधर करना एक्सटेंशन और बहुत ज्यादा पीछे करना हाइपर एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और पूरा पीछे करना हाइपर एक्सटेंशन। तो फर्स्ट यू नो दैट अबाउट द रोटेशन ऑफ द नेक, रोटेशन ऑफ द नेक, यहां पर जब ये रोटेशनल फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल और सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट्स मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट के बारे में सेकंड बात ध्यान रखिए, सबसे पहली बात, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह का नेक मूवमेंट करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या फिर फ्लेक्शन करते हैं नेक का, तो नेक कहां से रोटेट होता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, एटलेंटो ऑक्सीपिटल से। दूसरा सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल, सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल
एटलांटो ऑक्सीपिटल, यहां से मूव करती है नेक। सेकंड देखिएगा बच्चे, ये है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, देन इधर होगा फ्लेक्शन, देन इधर होगा हाइपर एक्सटेंशन। शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन, यदि हैंड का लोकेशन ये वाला है तो इट इज द फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर एंड दिस इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर। देन होगा एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में बात करते हैं तो ये एल्बो का फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये एल्बो का फ्लेक्शन एंड दैट इज द एक्सटेंशन, दिस इज द नॉर्मल पोजिशन। तो नॉर्मल पोजिशन से दैट इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे देखेंगे आप, दिस इज द राइट एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द रिस्ट। रिस्ट को ऐसे करोगे तो मुड़ गया फ्लेक्शन, नीचे करोगे तो हाइपर एक्सटेंशन। तो जब हम रिस्ट की या हम पाम का वेंट्रल सरफेस देखते हैं तो ये पाम का वेंट्रल है, इट मींस वेंट्रल मींस एंटीरियर है, और ये पाम का पोस्टीरियर बोला जाता है जिसको डॉर्सल भी कहते हैं। तो बच्चों पाम इस पोजिशन में होगा, इधर करोगे तो फ्लेक्शन, नीचे किया तो एक्सटेंशन, ठीक है। देन हम लेग की बात करते हैं तो लेग का भी वही हाल होगा, यदि लेग का एंटीरियर में आप बेंडिंग करोगे तो लेग का एंटीरियर में पीछे की तरफ लेग को मोड़ोगे ना, उसको फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, ये स्टार क्वेश्चन हो सकता है। बहुत इतना सीरियसली मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बच्चों आप गलती कर सकते हो, मुझे लग रहा है, क्यों, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे यही सोचेंगे कि लेग को पीछे मोड़ूंगा ना तो वो फ्लेक्शन कहलाएगा, लेकिन लेग को पीछे मोड़ना फ्लेक्शन नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना। लेग को पीछे की तरफ करना क्या है, एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन, और ज्यादा किया तो हाइपर एक्सटेंशन, क्लियर दिख रहा है। तो ये लेग का हाइपर एक्सटेंशन है, और लेग को आगे की तरफ किया जाएगा उसे कहा जाएगा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन कब कहते हैं, किसी भी ऑर्गन का वेंट्रल बेंडिंग, किसी भी ऑर्गन का वेंट्रल साइड में बेंडिंग को फ्लेक्शन कहते हैं। पोस्टीरियर में एक्सटेंशन होता है, पोस्टीरियर में क्या होगा, एक्सटेंशन। तो लेग का ये वाला पोजीशन नॉर्मल है, इस फ्लेक्शन है, और ये हाइपर एक्सटेंशन है, नॉर्मल एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, दैट इज द फ्लेक्शन, ओके, देख तो रहा है सबको। देन थर्ड हम नी जॉइंट की बात करते हैं, तो नी जॉइंट में बच्चे नी का ये नॉर्मल पोजिशन है, नॉर्मल पोजिशन से नी को ऊपर उठाना कहलाएगा एक्सटेंशन, और इधर पीछे की तरफ नी को मूव करवाना कहलाएगा फ्लेक्शन। तो दैट इज द फ्लेक्शन ऑफ नी, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ नी, क्लियर हो गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन। नेक्स्ट मूवमेंट्स बताता हूं, ये लेटरल फ्लेक्शन कहलाएगा, जो आप देख रहे हैं। आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसका कहेंगे कि गिवन इमेज शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मूवमेंट, गिवन इमेज शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो गिवन इमेज शोविंग द लेटरल लेटरल फ्लेक्शन, गिवन डायग्राम शोविंग द लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन कहां से होता है, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट से। लेटरल फ्लेक्शन में बॉडी कहां से मूव करता है बच्चे, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट से मूव करता है। तो इन केस ऑफ लेटरल फ्लेक्शन बॉडी मूव्स फ्रॉम द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट, बिकॉज आज मस्कुलोस्केलेटल है, और मस्कुलोस्केलेटल सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट साबित होने वाला है। कल की क्लास में रेस्पिरेटरी पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेटरी भी बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमेज बेस मोस्टली कहां कहां से बनते हैं, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, मस्क्यूलो, देन इसके बाद जो इमेज बेस्ड हो सकते हैं जैसे इंटेग्यूमेंट या छोटी 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 यूनिट्स को मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि डेली एम्स में पिछली बार आपने देखा था बर्न से और वुंड से 1 degree, 2 degree, 3 degree वुंड का डायग्राम पूछा गया था। तो इमेज बेस्ड मेडिकल सर्जिकल के किसी भी डिजीज का आ सकता है, किसी भी प्रोसीजर का आ सकता है, एनाटॉमिकल मूवमेंट से रिलेटेड आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट वाइज टोटल इमेज बेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास हो सकती है, ये क्लास साबित हो सकती है सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए, ओके बच्चों। तो देखना ये मूवमेंट समझ में आ गया, अब बताते हैं नेक्स्ट मूवमेंट। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये हैंड है,
ये नॉर्मली हैंड हम इस पोजीशन में रखते हैं, हैंड को ऊपर करना अबडक्शन अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन, क्लियर। तो दैट इज अबडक्शन, दिस इज अडक्शन। ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं इसमें शोल्डर ज्वाइंट मूव करता है, शोल्डर ज्वाइंट मूव करता है, और शोल्डर ज्वाइंट का मूव करना इधर मूव करेगा तो अबडक्शन होगा, और जस्ट यू जस्ट मूव द योर एक्सट्रीमिटी नियर टू द बॉडी, नियर टू द बॉडी, नियर टू द बॉडी अडक्शन, एंड फर्दर फ्रॉम द बॉडी अबडक्शन, क्लियर है। तो ये जो पोजिशन है ये अबडक्शन है और देट इज द अडक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से हम पाम्स की बात करें तो पाम्स का ये इस तरह का मूवमेंट होगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। तो यू आर शोविंग दिस इज द अबडक्शन और दिस इज अडक्शन, दिस इज अडक्शन। ये जो पोजिशन देख रहे हैं आप ये अडक्शन पोजिशन है पाम का, और ये पोजिशन है बेटा अबडक्शन। तो पाम का इस तरह का इमेज आपको शो करके कहा जा सकता है आइडेंटिफाई दिस मूवमेंट इन द पाम, ओके। देन लेग के लिए, लेग के लिए ये वाला मूवमेंट जो होगा इधर की साइड का मूवमेंट, ये मूवमेंट कहलाएगा अडक्शन, और दूर बॉडी से दूर करोगे तो अबडक्शन। तो दैट इज अबडक्शन, दिस इज अडक्शन, ठीक है ना। तो जस्ट यहां पर अबडक्शन ऊपर, अडक्शन बॉडी के पास, इसी तरह से अबडक्शन, अबडक्शन इधर साइड में, और अबडक्शन अडक्शन बॉडी के पास, इसी तरह से अबडक्शन बॉडी से दूर, अडक्शन बॉडी के पास। तो अडक्शन यहां आप देख रहे हैं, अडक्शन यहां आप देख रहे हैं अडक्शन। तो अडक्शन मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान रखना, जैसे ये मेरा पाम है, ठीक है ना। अब इसका मूवमेंट मैं कैसे करता हूं, इधर करता हूं तो बॉडी के नजदीक आया है ना, बॉडी के नजदीक जो कोई भी ऑर्गन आएगा तो उस मूवमेंट को कहे जाएगा अडक्शन, ए डबल डी यू, क्या बोलोगे, अडक्शन, अडक्शन, ठीक है बच्चों। देन दूसरे टाइप के जो मूवमेंट्स हम करेंगे वो करेंगे अबडक्शन, क्या करने वाले, अबडक्शन। तो अबडक्शन का लिटरली मीनिंग निकालें तो डिस्टेंट, बॉडी से दूर, इट मीन्स डिस्टेंट, और दैट इज नियर। यदि कोई स्ट्रक्चर आप बॉडी के नियर देख रहे हैं, जैसे मैं पाम का ही अबडक्शन अडक्शन करके दिखाता हूं, तो पाम्स को इस तरह का एंटीरियर पोजिशन है, ये राइट एनाटॉमिकल पोजिशन में है मेरा हैंड, बॉडी से नजदीक मूवमेंट करता हूं तो ये होगा अडक्शन, दूर करता हूं तो अबडक्शन, ठीक है ना। आई थिंक क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इस तरह से अबडक्शन और अडक्शन, ये देखिए नजदीक लाना, नजदीक लाना, फिंगर्स को, फिंगर्स को, फिंगर्स में मूवमेंट करके दिखाया, फिंगर्स को नजदीक लाना, क्लोज लाना, नियर लेके आना, अबडक्शन कहलाया, और दूर करना अबडक्शन कहलाया। तो नियर करना अडक्शन, दूर करना अबडक्शन, क्लियर है बच्चे। तो यहां से भी आप समझ जाइएगा, ये भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर्स, नॉट द थंब, थंब की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मेटाकार्पल्स ऑफ द फिंगर्स, मेटाकार्पोफेलेंजियल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजियस के बीच में जो मूवमेंट हो रहे हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स को दूर करना अबडक्शन, नजदीक करना अडक्शन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल, क्लियर। नेक्स्ट सर्कमडक्शन, रोटेटरी मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द हैंड इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। तो दिस इज शोविंग द सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, दिस इज शोविंग द सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ओके बच्चे, एंड दिस इज शोविंग द सर्कमडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, दिस इज सर्कमडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, दिस इज द सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, एटलेंटो एक्सियल रोटेशन, गर्दन को ऐसे मूव करोगे अगर, यदि अगर आप गर्दन को रोटेट करते हो तो दिस इज द एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, मूवमेंट ऑफ एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल, एंड दिस इज द रोटेशन ऑफ नेक, रोटेशन ऑफ नेक कहां से होता है, एटलेंटो एक्सियल से, कहां से होगा, एटलेंटो एक्सियल से, ठीक है बच्चों। सेकेंड आप देख रहे हैं लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, यदि अगर आप हैंड को, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में मिड लाइन यदि अगर ड्रॉ करोगे तो मीडियल लाइन कहलाएगा, दैट इज द मीडियल लाइन। अब मीडियल हैंड है आपका ये, अब हैंड इस तरह से,
अब इसको इधर किया तो मीडियल, इधर किया तो लेटरल, तो दैट इज द लेटरल रोटेशन ऑफ हैंड और दिस इज द मीडियल रोटेशन ऑफ हैंड. आइडेंटिफाई बोथ टू मूवमेंट्स इन द बॉडी, दिस इज द मीडियल रोटेशन, दिस इज लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट. ओके, देन पैर का आप करेंगे तो दिस इज द मीडियल रोटेशन और दिस इज लेटरल रोटेशन. ऊपर की तरफ करोगे तो लेटरल रोटेशन, इधर करेंगे तो मीडियल रोटेशन पीछे की तरफ. हिप जॉइंट मूव करता है इसमें. लेग का मीडियल या लेटरल रोटेशन कहां से होगा? हिप जॉइंट से. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप एलिवेशन. टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में मूव करके दिखाएंगे अब आपको. टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में यदि अगर आप नेक को ऐसे करोगे तो नेक को ऊपर करना क्या कहलाया? डिप्रेशन ऑफ नेक. तो दिस इमेज शोविंग द विच मूवमेंट? दिस इमेज शोविंग द डिप्रेशन ऑफ नेक. क्या शो कर रहा है? डिप्रेशन ऑफ नेक. डिप्रेशन ऑफ नेक करेंगे तो नेक एरिया, चिन एरिया जस्ट कम्स नियर टू द चेस्ट. व्हेन योर चिन कम्स नियर टू द चेस्ट, दिस इज द डिप्रेशन ऑफ नेक. डिप्रेशन ऑफ नेक, दिस इज द एलिवेशन ऑफ नेक. एलिवेशन ऑफ नेक, ऐसे ऊपर उठाया, नीचे किया, डिप्रेशन ऑफ द नेक. देन आप देख रहे हैं गर्दन को आगे की तरफ किया आपने, ऐसे ऐसे. यदि अगर यू डू द नेक लाइक दिस, तो दिस इज द प्रोनेशन, दिस इज द डायरेक्शन फॉर प्रोनेशन. तो दिस इमेज इज शोविंग द विच मूवमेंट इन द बॉडी? दिस इमेज शोविंग द प्रोनेशन ऑफ द बॉडी. क्या शो कर रहा है बच्चों? प्रोनेशन ऑफ द बॉडी. एंड दिस इमेज शोविंग द रिट्रैक्शन ऑफ द बॉडी. गर्दन को अंदर की तरफ मूव करवा, ऐसे ऐसे आपने गर्दन को अंदर कर लिया है. तो दिस इमेज इज शोविंग द रिट्रैक्शन ऑफ द नेक. तो क्वेश्चन यहां से 4 क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं. और जॉइंट कौन सा मूव करता है इन चारों मूवमेंट्स के लिए? इन चारों के लिए टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट मूव करता है. तो नेक कहां से मूव करेगा? टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट से. कहां से? टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट. जस्ट बच्चे एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, दीज 4 मूवमेंट्स इन द नेक एरिया. अंडरस्टैंड? क्लियर है गाइस? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट इमेजेस. दीज आर द जॉइंट्स इन द इंटर टार्सल जॉइंट्स. इंटर टार्सल जॉइंट्स की मूवमेंट है. जस्ट यू मूव योर टो लाइक दिस. दिस इमेज शोविंग द इनवर्जन मूवमेंट. This movement is called inversion. This is the eversion. Eversion. Your leg, just in this image, leg is turning from the great toe or thumb side. Thumb side से downward रहेगा. So this type of the movement is eversion. और thumb side if elevated, thumb side यदि अगर elevate हो रहा है, तो इसे बोलोगे आप inversion. Okay बच्चों? Then ankle joint की बात करते हैं. यदि एंकल जॉइंट को ऊपर की तरफ करोगे तो बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन, और नीचे की तरफ करोगे तो प्लैंटर फ्लेक्शन. क्या बोलोगे? प्लैंटर फ्लेक्शन. डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन. अंडरस्टैंड? तो पैर में डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, दोनों ध्यान रखना. एंकल जॉइंट मूव करता है तो लेग का डॉर्सी फ्लेक्शन करने के लिए लेग कहां से मूव करता है? एंकल जॉइंट से. अंडरस्टैंड बच्चों? तो आई थिंक ऑल रोटेशनल क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटेड. इस तरह का एक ये ध्यान रखिए रेडियो अल्नर जॉइंट का. रेडियो अल्नर, ये रेडियो अल्नर में पाम का पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर है. बस इतना सा शो किया हुआ है इसमें, पोस्टीरियर और एंटीरियर. अब पोस्टीरियर साइड को क्या कहते हैं आप? प्रोनेशन. और जस्ट एंटीरियर साइड को क्या कहेंगे? सुपीनेशन. तो दिस इज जब आपको कौन सा साइड दिख रहा हो? पाम का एंटीरियर साइड दिखा रखा हो. यदि इमेज के अंदर आपको एंटीरियर साइड शो किया हुआ है तो दिस इज द सुपिनेशन ऑफ पाम. और यदि अगर पोस्टीरियर साइड शो किया हुआ है इमेज में, पोस्टीरियर साइड शो किया हुआ है, तो दिस इज द प्रोनेशन ऑफ पाम. तो फर्स्ट इमेज शोविंग द प्रोनेशन एंड सेकंड इमेज शोविंग द सुपिनेशन. ओके बच्चों, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, क्लियर. एंड देन दिस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दिस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट शोविंग द अपोजिशन.
जब आप इस तरह का मुंह करवाएंगे जिसमें दोनों फिंगर्स एक दूसरे के नजदीक आती है, देखो दोनों फिंगर्स एक दूसरे के नजदीक आती है, तो नजदीक आना कौन सा मूवमेंट है? अपोजिशन मूवमेंट। क्या बोलेंगे? अपोजिशन मूवमेंट। क्लियर है बच्चे? दिस इमेज इज शोविंग ऑन द डिस्प्ले इज द डिजिटल एक्सरे मशीन। यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस इमेज, इट इज डिजिटल एक्सरे मशीन। देन ड्रेसिंग ट्रॉली, दिस इज ड्रेसिंग ट्रॉली, दिस इज द एल्बो क्रच, दिस इज एल्बो क्रच, दिस इज द एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट, एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट। यहां से एल्बो फिक्स होता है एंड एल्बो को स्प्लिंट किया हुआ है, दिस इज एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट। दिस इज इमरजेंसी ट्रॉली, इट इज यूज टू कैरी द इमरजेंसी ड्रग्स मेडिसिन इक्विपमेंट्स। दिस इज इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली इज यूज टू कैरी द इंस्ट्रूमेंट इन एनी सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने के लिए ट्रॉली को यूज किया जाता है। दिस इज शोविंग द नर्सिंग ट्रीटमेंट ट्रॉली, दिस ट्रॉली हैव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स। इसके अंदर मोस्टली क्या रखेंगे आप? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स रखा जाता है। दिस इज मोनोपोलर कॉटरी, एम्स दिल्ली ने पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था एकमात्र, और ये हमारे इमेज बेस्ड मॉड्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है। हम इस इमेज को क्लासरूम में देते हैं बच्चों को, ओके? तो स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम में पूरी इमेजेस प्रिंटेड देते हैं, ये सब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये सब हम ऑफर करते हैं क्लास में, बच्चों को देते हैं। मोनोपोलर कॉटरी, मोनोपोलर कॉटरी, बच्चे कॉटरी का क्या यूज होता है पहली ये बात सुन लीजिएगा आप। कॉटरी के जो यूज होते हैं, कॉटरी के यूज होते हैं बच्चों, सबसे पहला यूज होता है कॉटरी का स्किन को कट करने के लिए, टिश्यूज को कट करने के लिए। दूसरा जो कॉटरी का यूज होता है वो होता है जब कभी हम सर्जरी करेंगे ना, सपोज करो यहाँ सर्जरी करना है, तो सर्जरी में जैसे इंसीजन करोगे आप, इंसीजन करते टिश्यूज का ब्लीडिंग होगा, ब्लड कैपिलरीज इंजर्ड होंगे, तो ब्लड कैपिलरीज की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यानी कि कॉटरी का यूज करके और किसी भी ब्लड कैपिलरी को या टिश्यूज के ब्लड को कोगुलेट किया जा सकता है। कोगुलेट करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर हम सर्जरी करेंगे। तो कॉटरी इज हैव टू यूज फर्स्ट टू कट द सॉफ्ट टिश्यूज एंड टू कोगुलेट द ब्लड कैपिलरी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द मोनोपोलर कॉटरी? फर्स्ट तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप यहां से ध्यान रखिए, सेकंड एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था ये, सेकंड क्या हो सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी इज यूज फॉर कटिंग, ब्लेंडिंग, डिसेक्शन एंड फल्गुरेशन टू कट द टिश्यू एंड कोगुलेट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कोगुलेट करने के लिए, ब्लीडिंग ताकि सर्जरी के समय ब्लीडिंग ना हो, टू कोगुलेट द ब्लीडिंग एंड टू कट द टिश्यूज वी यूज द मोनोपोलर कॉटरी। मोनोपोलर कॉटरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक ही वन सिंगल पोल होता है, एक ही पोल होता है, इसलिए मोनोपोलर कहते हैं। इफ द कॉटरी हैव द वन पोल, इफ कॉटरी हैव ओनली वन पोल इट इज मोनोपोलर। इसी तरह का होता है जैसे आपके मोबाइल का चार्जर होता है ना, इसी तरह का होता है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ से बटन होता है जिससे हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बटन है इससे ऑन ऑफ किया जाता है इसको। तो मोनोपोलर कॉटरी क्यों कहा? बिकॉज इट हैव ओनली वन पोल, सो इट इज मोनोपोलर। देन यू आर सीइंग द नेक्स्ट डिवाइस, यहाँ एक और इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज बाइपोलर कॉटरी। बाइपोलर क्यों कहा? बिकॉज इट हैव टू पोल्स, इट हैव टू पोल्स, इट हैव टू पोल्स एंड सो गाइज दिस इज बाइपोलर कॉटरी। बाइपोलर कॉटरी इट प्रोवाइड्स द थर्मल कोगुलेशन मोर इफेक्टिव देन मोनोपोलर इन कोगुलेटिंग द वेसल्स। जब हम जैसे सर्जरी करने वाले हैं, सर्जरी में हमने इंसीजन किया, इंसीजन करते ही और यहां से ब्लीडिंग होगी, ब्लड कैपिलरीज जो डैमेज होंगी उनसे ब्लीडिंग लीकेज होगी, तो वी नीड टू कोगुलेट दिस ब्लड। हमें इस ब्लड को कोगुलेट करने की आवश्यकता होती है बच्चों, और कोगुलेट करने के लिए हम कॉटरी का यूज करते हैं। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बाइपोलर कॉटरी। बाइपोलर कॉटरी जस्ट मोर इफेक्टिव देन द मोनोपोलर इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इट प्रोवाइड्स द थर्मल कोगुलेशन,
इट जस्ट गिव द थर्मल कोगुलेशन एंड इट इज मोर यूजेबल और मोर इफेक्टिव देन द यूनिपोलर। यूनिपोलर से ज्यादा इफेक्टिव है बाइपोलर। बाइपोलर में दो पोल्स होते हैं इसलिए नाम होता है बाइपोलर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लाइगा शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइगा शोर। लाइगा शोर क्या काम आता है? इट इज द न्यू बाइपोलर टिश्यू सीलिंग सिस्टम। टिश्यू सीलिंग, एक तरह से कॉटरी का क्या यूज होता है? टिश्यूज को सील करना। टिश्यूज में से जहां से ब्लीडिंग हो रहा है इस ब्लीडिंग को सील किया जाता है और टिश्यू को कट किया जाता है। वी यूज दिस ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्जरी के दौरान टिश्यू सीलिंग के लिए दैट वी यूज द लाइगा शोर। तो इट इज न्यू बाइपोलर टिश्यू सीलिंग सिस्टम, पहली बात यह ध्यान रखना इसके बारे में। सेकेंड, यूजफुल इन द पेल्विक एंड एब्डोमिनल सर्जरीज। मोस्टली पेल्विक एंड एब्डोमिनल सर्जरीज करने के लिए टिश्यू सीलिंग करने की यदि आवश्यकता होती है तो वी प्रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? वी प्रेफर द लाइगा शोर। तो एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से प्रिपेयर करवाता हूं कि व्हेन यू नीड टू डू द एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी यू वॉन्ट टू सील द टिश्यू, विच डिवाइस इज प्रेफर्ड फॉर द टिश्यू सीलिंग इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरीज? तो बच्चे इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरीज वी प्रेफर द लाइगा शोर, नॉट मोनोपोलर नॉट बाइपोलर। मोस्ट प्रेफर्ड डिवाइस इज लाइगा शोर। ओके, इसी तरह का एक और डिवाइस आप देख रहे होंगे, ये डिवाइस भी हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। दिस डिवाइस इज, इसे कहते हैं हाइफ्रेकेटर। हाइफ्रेकेटर इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइफ्रेकेटर। बच्चे हाइफ्रेकेटर क्या होता है? हाइफ्रेकेटर इज यूज टू रिमूव द वार्ट और पेप्यूल्स। हाइफ्रेकेटर का एक सिंपल सा यूज होता है, इट इज यूज टू रिमूव द वार्ट और पेप्यूल्स। जस्ट हाइफ्रेकेटर डिवाइस यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। यू आर जस्ट सीइंग विच डिवाइस ऑन द स्क्रीन? सर आई एम सीइंग द हाइफ्रेकेटर। क्या देख रहा हूं मैं हाइफ्रेकेटर देख रहा हूं। इस डिवाइस को स्क्रीन पर यदि वार्ट है, मॉल है या पेप्यूल्स बने हुए हैं तो वार्ट या पेप्यूल्स को रिमूव करने के लिए विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रेफर्डली यूजेबल? सर हाइफ्रेकेटर इज यूज टू रिमूव द वार्ट एंड पेप्यूल्स। दिस इज द सिंपल पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड। केवल सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड, दीज आर स्कैल्पल ब्लेड। ये स्कैल्पल है और ये इसकी ब्लेड्स हैं। स्कैल्पल ब्लेड्स स्किन पर इंसीजन करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, यू आर सीइंग द स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली। ये ट्रॉली है, नीचे जो आप देख रहे हैं दिस इज ट्रॉली, और ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉली के ऊपर क्या रखा हुआ है? ट्रॉली पर रखा हुआ है स्ट्रेचर। तो इस पार्ट को स्ट्रेचर कहते हैं, इसे ट्रॉली कहा जाता है। तो दिस इज ट्रॉली एंड दिस इज स्ट्रेचर। इट इज यूज टू कैरी द पेशेंट्स, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट्स। पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज करते हैं। दिस स्प्लिंट यू आर सीइंग, दिस इज अ थॉमस स्प्लिंट। इसका नाम है बच्चों थॉमस स्प्लिंट। देन यू आर जस्ट थंब स्पाइका। यू आर जस्ट सीइंग द थंब स्पाइका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? This device is thumb spica. What is the name of this device? This instrument is tourniquet. क्या नाम है बच्चों? It is tourniquet. क्या है ये? Tourniquet है. Okay. Then towel clip is a simple और काफी popular है ये. Very easily कहीं भी मिल जाता है, हर कहीं मिल जाता है आपको. Most of videos जो बनाते रहते हैं बच्चे लोग YouTube पर, उनमें सब में मिल जाता है ये. Right? क्या? टॉवल क्लिप। ज्यादातर वो इसी तरह की चीज बताते हैं, टॉवल क्लिप हुआ, ट्रॉली हुआ, जनरल चीजें जो आप देखते रहते होंगे, अक्सर आते रहते हैं। राइट, तो दिस इज टॉवल क्लिप। ट्रीटमेंट ट्रॉली, दिस इज ट्रीटमेंट ट्रॉली। ओके बच्चों, दिस इज द ट्राई स्टेप। ब्लैक, ग्रीन, येलो और रेड, दिस फोर कलर स्टेप अवेलेबल। ट्राई स्टेप, ओके। रेड टैप अप्लाई करते हैं किस पर? इमीडिएट केयर के लिए। रेड टैप अप्लाइड फॉर द इमीडिएटली दे रीड द केयर, दे नीड द केयर।
इमीडिएट केयर के लिए वी अप्लाई द रेड टैप बैंड, डिलेड केयर के लिए वी अप्लाई द येलो टैप बैंड, माइनर ट्रॉमा के लिए वी अप्लाई द ग्रीन टैप, एंड डिजीज्ड जो हो चुका है, डेड हो चुका है, उस पर हम अप्लाई करते हैं ब्लैक टैप. क्लियर? देन यू आर सीइंग द जैक्सन रिस्टेंट. ये जो रिस्टेंट देख रहे हैं आप इमेज में, जैकेट रिस्टेंट कहते हैं इसको, जैकेट रिस्टेंट. इस तरह से ये लेडी पर जैकेट रिस्टेंट लगाया हुआ है, यहां भी आप जैकेट रिस्टेंट लगाया हुआ है. ओके, जैकेट रिस्टेंट, जैकेट रिस्टेंट, बोथ आर जैकेट रिस्टेंट्स. क्लियर है गाइस? बोथ आर विच टाइप ऑफ द रिस्टेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. रिस्टेंट्स जितने भी बताऊंगा अभी काफी ध्यान से आप लोग पढ़ना. दीज आर जैकेट रिस्टेंट्स, दीज आर जैकेट रिस्टेंट्स. नेक्स्ट, इसे क्या कहा जाता है? रिस्ट रिस्टेंट. ये जो रिस्टेंट अप्लाई किया है दैट इज द रिस्ट रिस्टेंट. बच्चों रिस्टेंट ज्यादातर उन पेशेंट्स को अप्लाई किया जाता है जो या तो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं या फिर पेडियाट्रिक में. पेडियाट्रिक या साइकेट्रिक में रिस्टेंट्स ज्यादातर अप्लाई किए जाते हैं. अंडरस्टैंड? तो दिस रिस्टेंट इज नेम्ड एज रिस्ट रिस्टेंट. इस रिस्टेंट का क्या नाम है बेटा? दिस रिस्टेंट इज कॉल्ड रिस्ट रिस्टेंट. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नॉट? इस टाइप की जो नॉट लगाते हो, इस तरह की नॉट कैसे बनती है देखना ध्यान से. ऐसे करके, फिर यहां से करके और यहां से करके, दूसरी बार फिर घुमाते हैं और ऐसे करके. इस तरह का जो नॉट बनता है ना, गिठान जिसको कहते हो आप, अरे आप किसी चीज में गिठान लगाते हो ना, गिठान जिसको कहते हो. तो बच्चे इस तरह की जो नॉट होती है उसको क्लो हिच नॉट कहते हैं. क्या नाम होता है? क्लो हिच नॉट, क्लो हिच नॉट. अंडरस्टैंड? क्लो हिच नॉट. दिस टाइप ऑफ रिस्टेंट इज मिटन रिस्टेंट, मिटेंस रिस्टेंट कहते हैं. दिस इमेज इज शोविंग द मिटन रिस्टेंट, मिटन रिस्टेंट. ओके, देन दिस इज द एल्बो रिस्टेंट. ये रिस्टेंट है, एल्बो रिस्टेंट का फोटो है, अलग से दिया हुआ है, आ सकता है. ये रिस्टेंट आपको दिखाया जा सकता है और ये अप्लाइड किया हुआ है. तो ये सेपरेट है और ये अप्लाइड करने के बाद इस तरह से होता है. ओके, तो क्या नाम होता है इस रिस्टेंट का? एल्बो रिस्टेंट. देन इसे कहते हैं स्वेडल रैपिंट, स्वेडल रैपिंट. ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन, दूसरा सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड और दिस इज द फोर्थ स्टेप. चार स्टेप के अंदर हम किसी भी बेबी को रैप रैपिंट स्टेप स्वेडल रैपिंट स्वेडल कर सकते हैं. तो स्वेडल रैपिंट यानी पूरा कवर करना. इस तरह का ये भी एक तरह का रिस्टेंट ही होता है बच्चों. तो इस तरह के रिस्टेंट का नाम होता है स्वेडल रैपिंट. एक्सरे शोविंग द फ्रैक्चर लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना. ध्यान रखिए, यू आर सीइंग अ एक्सरे एंड आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्चर्ड बोन. आपसे कहा जाएगा, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि एक्सरे देखना आपको आता है या नहीं आता है. एक्सरे से मतलब नहीं है आपको, एक्सरे आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक्सरे देख करके ये तो पहचान सकते हो कौन सी बोन में फ्रैक्चर हो रहा है. तो दिस एक्सरे इज दिस एक्सरे इज शोविंग द फ्रैक्चर इन द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना. दिस एक्सरे इज शोविंग द फ्रैक्चर इन लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना. नेक्स्ट बच्चे, कम्युनिटी फ्रैक्चर आपको दिख रहा होगा. दिस इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर. आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्चर इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर. दिस इज टाइप्स ऑफ स्प्लिंट. दो तरह के स्प्लिंट मेनली यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, मेडिकल सेटअप में दो टाइप के स्प्लिंट्स मोस्टली यूज आते हैं. इसे कहा जाता है थॉमस स्प्लिंट एंड इसे कहा जाता है बच्चे बॉलर्स स्प्लिंट. ये आ सकता है क्वेश्चन इस बार, बॉलर स्प्लिंट, बॉलर स्प्लिंट. याद रखना इसका नाम. इस तरह का डिवाइस आपको देखने को मिलेगा और दिस डिवाइस इज द बॉलर स्प्लिंट. क्या कहते हैं इसको? बॉलर, बॉलर्स स्प्लिंट. बच्चे इसका नाम है बॉलर्स स्प्लिंट, इसका नाम है थॉमस स्प्लिंट. तो दो तरह के मोस्ट यूजेबल स्प्लिंट हैं, थॉमस और बॉलर. बच्चे नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्रायंस ट्रैक्शन.
ये पहले मैं इमेजेस शो कर रहा हूँ, फिर इनके एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे पूरे, जितने भी ट्रैक्शन है उन सब का आज फुल फ्लश लेक्चर होगा। आज का लेक्चर बड़ा होगा, पूरा अटेंड करना लास्ट तक, तब जाके क्लैरिफाई होगा सब कुछ। ये जो ट्रैक्शन आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्रायंस ट्रैक्शन, ठीक है, याद रखना स्टार इमेज। नेक्स्ट, दिस इज द बक्स ट्रैक्शन, हियर यू आर अप्लाइंग अ पुली सिस्टम, और पुली सिस्टम अप्लाई करना, दैट इज द ट्रैक्शन। तो दिस ट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ ट्रैक्शन, दो जगह मैंने लोकेशंस मार्क किए हैं। ये दोनों यदि लोकेशंस यहाँ पुली सिस्टम लगा हुआ दिखे और यहाँ हैंड से हैंग किया हुआ नजर आए, तो दिस इज बक्स ट्रैक्शन, बक्स एक्सटेंशन, बक्स एक्सटेंशन। दिस इज हेड हेल्टर, दिस पेशेंट अप्लाइंग द हेड हेल्टर। तो यहाँ हेड के, हेड जो बाइंड अप किया हुआ है और जहां से हेड पे दूसरा नॉट है, दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल होता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे हेड हेल्टर होता है। नेक्स्ट, पेल्विक ट्रैक्शन, दिस इमेज इज शोविंग द पेल्विक ट्रैक्शन, दिस इज पेल्विक ट्रैक्शन। नेक्स्ट बच्चे, रशल ट्रैक्शन, व्हेन यू आर सीइंग दैट हियर समथिंग इज अप्लाइड एंड हियर इज टोटली कवर्ड एंड यू आर सीइंग दैट दिस इज द डबल पुली सिस्टम। व्हेन यू सी द डबल पुली सिस्टम, जब आप डबल ट्रिपल पुली सिस्टम देखेंगे, ये देखिए यहां से पुली, फिर यहां, फिर पुली किया, फिर यहां पुली, फिर यहां से होकर इस तरह से वेट अप्लाई किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रैक्शन इज कॉल्ड रसल ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? रसल ट्रैक्शन। बच्चे नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैन, टाइप ऑफ कैन, दिस क्लाइंट इज यूजिंग द कैन। ये पेशेंट के हाथ में आप एक डिवाइस देख रहे हैं जो वॉकिंग के लिए यूज में आता है। इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? एग्जामिनर आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूजिंग बाय दिस क्लाइंट, दिस इज यूजिंग द कैन। कैन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल एंडेड कैन विद हाफ सर्किल हैंडल, हाफ सर्किल हैंडल, हाफ सर्किल हैंडल, सिंगल हैंडेड, सिंगल एंडेड कैन। दिस इज द सेकेंड, सिंगल एंडेड कैन विद स्ट्रेट हैंडल, ये भी एक कैन है, और दिस इज द सिंगल एंडेड कैन विद स्ट्रेट हैंडल। ओके, थर्ड यू आर सीइंग दैट, यहां पर आप देख रहे हैं क्वाड कैन कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? ये डिवाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें चार पैर होते हैं ना बच्चों, इस तरह से, ये दो पैर, फिर दो पैर, इस तरह से चार पैर वाला यदि कैन अगर आप देखोगे, ऐसा इस तरह का कैन यदि इमेज मिलता है, तो जो सबसे थर्ड नंबर वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम क्या है? फोर्थ वाला, थर्ड वाला जो इमेज देख रहे हैं आप, इसका नाम है QUAD, क्वाड कैन, ठीक है, चार पैर वाला है, इसलिए इस कैन को कहते हैं क्वाड कैन। क्या कहा जाता है? क्वाड कैन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, स्टैंडिंग विद क्रच, पेशेंट क्रच के साथ खड़ा हुआ है, क्रच के साथ पेशेंट खड़ा हुआ है, जस्ट स्टैंडिंग पोजीशन विद क्रच, एल्बो कितने डिग्री एंगल पर है, एल्बो इस तरह से स्ट्रेट है और एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है 30 डिग्री। तो यहां पर एल्बो का फ्लेक्शन कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री फ्लेक्शन इन एल्बो। ओके, तो इस तरह का शेप बन जाता है ये, क्लियर। तो 30 डिग्री एंगल वाला जो ये स्टैंडिंग पोजीशन होगा, दैट इज यू, दैट इज अ राइट पोजीशन। तो इसमें अगर इमेज बेस पूछना है तो आपको चार इमेज शो करके देगा एग्जामिनर, चार इमेज बतानी पड़ेगी और पूछेगा व्हाट इज द राइट पोजीशन फॉर स्टैंडिंग विद क्रच। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चे? व्हाट इज द राइट पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज शो द राइट पोजीशन फॉर स्टैंडिंग विद क्रच, क्रच के साथ स्टैंड होने की सही पोजिशन क्या है। तो फोर इमेज देनी होगी एग्जामिनर को और फिर तब जाके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जिसमें आपको 30 डिग्री का एंगल दिखेगा वो सही क्रच से वॉक करने का सही पोजिशन होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्रच, तो बच्चे इस वाले क्रच को कहते हैं एक्सिलरी क्रच। फर्स्ट जो क्रच आप देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रच? इट इज द एक्सिलरी क्रच, क्लियर।
सेकंड को जो है लॉस्ट एंड क्रैच कहते हैं, लॉस्ट एंड क्रैच। इसका जो नेम होता है ना, जिसमें इस तरह का हैंडल होता है, ये हैंडल से पहचानोगे आप। तो हैंड इस तरह के हैंडल वाले क्रैच को कहते हैं LOSTRND। तो यहां पर एफ साइलेंट होता है, लॉस्ट ट्रेंड क्रच कहते हैं इसको, लॉस्ट ट्रेंड क्रच। क्या बोला जाता है बच्चे? इट इज लॉस्ट ट्रेंड क्रच। एंड ये वाला जो क्रच हम देख रहे हैं, इसमें इस तरह का थोड़ा स्पेशल हैंडल है, और जो स्पेशल हैंडल वाला क्रच है इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म क्रच। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म, या फिर इसी का नाम एक और होता है कि प्लेटफॉर्म क्रच का और क्या नाम है? एल्बो एक्सटेंशन। इसको प्लेटफॉर्म क्रच भी बोलते हैं या एल्बो एक्सटेंशन क्रच भी कहा जाता है। तो तीन टाइप के क्रच देख रहे हैं आप। फर्स्ट है एक्सिलरी क्रच, सेकंड है लॉस्ट ट्रेंड क्रच, थर्ड है प्लेटफॉर्म क्रच या एल्बो एक्सटेंशन क्रच। तो प्लेटफॉर्म क्रच का ही दूसरा नाम होता है बच्चों, एल्बो एक्सटेंशन क्रच। ओके, नेक्स्ट आर्म स्लिंग। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? सर दिस इज आर्म स्लिंग। क्या है ये? आर्म स्लिंग है। क्या है बच्चे? आर्म स्लिंग। नेक्स्ट साइट्स ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन। बोन मैरो को एस्पायरेट करने के लिए तीन सजेस्टिबल साइट्स। फर्स्ट है स्टर्नम वाला साइट। बोन मैरो कहाँ से निकाला जा सकता है? ये जो साइट देख रहे हैं स्टर्नम वाला साइट, यहाँ से बोन मैरो को यूज किया जा सकता है, एस्पायरेट किया जा सकता है। बोन मैरो कैन बी एस्पायरेटेड फर्स्ट फ्रॉम दी स्टर्नम, सेकेंड यू कैन एस्पायरेट द बोन मैरो फ्रॉम पेल्विस। क्लियर है? एंड थर्ड, बोन मैरो कैन बी एस्पायरेट बाय फीमा टिबियो। ओके, तो तीन साइट्स यहां पर देख रहे होंगे, तीनों साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है विच। और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबो, ऑल ऑफ दी एबो। अंडरस्टैंड? तो दीज थ्री साइट्स दे आर यूज्ड फॉर द एस्पायरेशन ऑफ बोन मैरो। फर्स्ट, बोन मैरो एस्पायरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर इलाइक क्रस्ट। तो आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस इमेज इज शोविंग द बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो एस्पायरेशन फ्रॉम व्हाट इज द साइट? पोस्टीरियर इलाइक क्रस्ट। बोन मैरो कहां से एस्पायरेट किया जाता है मोस्ट कॉमनली? मोस्ट कॉमनली बोन मैरो एस्पायरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर इलाइक क्रस्ट। कहां से? पोस्टीरियर इलाइक क्रस्ट। एंड हियर आपसे कहा जाएगा, इन दिस इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज कंडक्टेड। कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है? इस तरह का इमेज होगा और कहे जाएंगे जस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस इमेज में कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं? तो आपको ये इमेज आइडेंटिफाई करके बताना है। सर इन दिस इमेज बोन मैरो एस्पायरेशन फ्रॉम पोस्टीरियर इलाइक क्रेस्ट इज कंडक्टिंग। दिस प्रोसीजर इज शोविंग द बोन मैरो एस्पायरेशन फ्रॉम पोस्टीरियर इलाइक क्रेस्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया है। ओके, अब इसका बच्चों वीडियो बेस्ड भी आ सकता है, इमेज बेस्ड। वैसे तो जितने भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो इमेज बेस्ड से ही कवर करवा दूंगा मैं आपको। इमेज बेस्ड ही इतने बेटर तरीके से डिस्प्ले कर देंगे कि वीडियो तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इमेज देख के ही पहचान जाओगे आप। हल्का सा वीडियो दिखा देंगे तो और सिंपलीफाई हो जाएगा। ओके, दिस इज सर्वाइकल ब्रास इमोबिलाइजर। दिस इज द सर्वाइकल ब्रास इमोबिलाइजर। दिस इज सर्वाइकल ट्रैक्शन। आइडेंटिफाई दिस ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लेविकल ट्रैक्शन। ये एट के शेप में होता है बच्चों, इस तरह से। इस ट्रैक्शन का कौन सा शेप बनता है? एट शेप, इस तरह से। एट के जैसा जो ट्रैक्शन होता है, ये क्लेविकल ट्रैक्शन होता है, क्लेविकल का ट्रैक्शन। तो क्लेविकल का ट्रैक्शन कैसा होता है? क्लेविकल ट्रैक्शन एट शेप ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर को पहचानने के लिए कहा जाता है, ये इमेज एग्जाम में आता है और कहा जाएगा आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो दैट इज द कॉन्डाइल फ्रैक्चर। क्या है ये? कॉन्डाइल फ्रैक्चर। नेक्स्ट दैट इज क्रैब बैंडेज। सब जानते हैं, काफी कॉमन बात है, क्रच विद नी ब्रास्ट। तो बच्चे ये क्रच है, दिस इज द क्रच, और हियर द नी ब्रास इज ऑलरेडी अप्लाइड।
दिस क्लाइंट इज क्रच विद नी ब्राश. ओके, क्रच विद नी ब्राश. डोर्सो लंबर ब्रास, दिस इज डोर्सो लंबर ब्रास. फोरआर्म क्रच, दीज आर फोरआर्म क्रचेस, दीज आर फोरआर्म क्रच. फोरआर्म क्रच जो होते हैं ना बच्चों, फोरआर्म वाले, वो यहां फंसाते हैं अपन, ऐसे चलते हैं ना, तो उसको क्रच को ऐसे करके पकड़ा जाता है, हाथ से तो पकड़ लेंगे, और उसका जो हैंडल होगा वो कहां फिक्स हो जाता है, यहाँ फोरआर्म पर. तो ऐसे जो क्रच होंगे वो फोरआर्म क्रच कहलाते हैं. एक एक्सिला पे लगाते हैं तो एक्सिलरी क्रच है. ओके, अब ये जो ट्रैक्शन देख रहे हैं आप, बटॉक्स क्लियर ऑफ द बेड, बटॉक्स शुड बी क्लियर ऑफ द बेड, ऐसा ट्रैक्शन जिसमें क्लाइंट के बटॉक्स बेड से ऊपर हो रहे हो. ये बेड है, ये आप देख रहे होंगे बेड, तो बटॉक्स कैसे होने चाहिए, बेड से ऊपर उठे होने चाहिए. तो व्हेन द बटॉक्स क्लियर ऑफ द बेड एंड द लेग्स आर हैंगिंग अबोव, लेग्स ऊपर की तरफ लटके हों, तो दिस ट्रैक्शन इज गैलो ट्रैक्शन. किस टाइप का ट्रैक्शन होता है ये, दैट इज द गैलो ट्रैक्शन. ओके बच्चों, दिस इज गैलो ट्रैक्शन. देन दिस इज द जेनु वेलगम, ये भी एक इंपॉर्टेंट इमेज होता है एग्जाम पर्पज से. दिस इज जेनु वेलगम, जिसमें क्या होता है, दोनों नी तो क्लोज आ जाते हैं, तो जेनु वेलगम को पहचानने का क्या तरीका है, नी नी तो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जो फुट होते हैं वो डिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से. तो फुट तो दूर की दूर दूर हो जाते हैं और नी क्लोज आ जाते हैं, तो इस तरह का जो डिफॉर्मिटी होता है उसको जेनु वेलगम कहते हैं. दूसरा इसमें देखिएगा, इस तरह का शेप बनता है, तो जिसमें क्या हुआ, नी तो दूर हो गए, नी आर अपार्ट और टच द एंकल, दोनों एंकल टच हो रहे हैं, तो जिसमें एंकल टच होते हैं और नी अपार्ट होते हैं, इस टाइप का जेनु वेरम कहलाता है. दैट डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड जेनु वेरम. ओके, देन हाइपर एक्सटेंशन ब्रास, दिस ब्रास इज कॉल्ड, इस तरह का ब्रास होगा प्लस के शेप में, प्लस के शेप में जो ब्रास होता है, दिस ब्रास इज हाइपर एक्सटेंशन, इस ब्रास को कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन ब्रास. ओके, देन नी क्रच, जिस तरह से अभी मैंने आपको फोरआर्म क्रच दिखाया था, फोरआर्म क्रच दिखा होगा आपने, फोरआर्म क्रच की तरह ही नी क्रच होता है. नी क्रच इस तरह से डिवाइस होता है, जिसका नी फ्रैक्चर्ड है उसको नी क्रच यूज करना होता है. ओके, तो दैट इज नी क्रच. देन ऑर्थोपेडिक बेड, दिस इज ऑर्थोपेडिक बेड, दिस इज द पेल्विक ट्रैक्शन. Identify this type of traction. Identify the patient in this image. Which type of traction is applied on this patient? So, this patient को pelvic traction apply किया हुआ है. Then, Philadelphia collar. इसको इस वाले collar को क्या कहा जाता है? This collar is called Philadelphia collar. इस तरह का shape होता है इसका, देखिए. This is called Philadelphia collar. Okay? Then, Russell traction. दो इमेजेस यहाँ पर शो किया हुआ है, फर्स्ट इमेज एंड दिस इज सेकेंड इमेज. बोथ इमेजेस शोविंग विच ट्रैक्शन, दिस इज द रशल ट्रैक्शन. देन रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट, बच्चों ये हैंड है, हैंड पे ये जो स्प्लिंट लगाया हुआ है, दिस स्प्लिंट इज द रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट. क्या नाम है? रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट. तो बच्चे काफी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ट है, मस्कुलोस्केलेटल से बड़े जानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इस यूनिट को बहुत ज्यादा मैं आपको डिवाइसेस टोटल जो भी आ सकते हैं वो सारे कुछ बता रहा हूं. यानी कि दैट इज द रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट. क्या है बच्चों ये? दिस इमेज इज शोविंग द रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट, दिस इज रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट. ओके, शोल्डर इमोबिलाइजर, it is a simplest device, this is shoulder immobilizer, and then soft humeral brass, is brass ko kya bolte hain, that is soft humeral brass, this is soft humeral brass. Walker, that is the walker, walking stick,
बूढ़े लोग जो हमारे दादा परदादा चलने के लिए जो स्टिक यूज करते हैं, दैट इज वॉकिंग स्टिक। वेट का फ्लैग, वेट का फ्लैग। आइडेंटिफाई दिस कंडीशन, आइडेंटिफाई दिस प्रोसीजर, दिस इज द वेट का फ्लैग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? दिस इज वेट कफ लैग। ओके बच्चे, वेट कफ लैग कहते हैं इसको। देन रिस्ट एंड थंब स्पाइका। आइडेंटिफाई दिस फॉलोइंग कंडीशन, आइडेंटिफाई दिस फॉलोइंग डिवाइस, इसका नेम है रिस्ट एंड थंब स्पाइका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? दिस इज द रिस्ट एंड थंब स्पाइका। देन बच्चे, अब दो दो इमेजेस में शो कर रहा हूं आपको फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में पहला आप देख रहे हैं एक्सरे और सेकंड आप देख रहे हैं रियल बोन। रियल बोन, रियल बोनी, फ्रैक्चर्ड बोनी कंडीशन, एंड यू आर जस्ट सीइंग इन द सेकंड इमेज, इट इज द एक्सरे। अब यदि अगर आपको डायरेक्टली बोन का इमेज दिया जाए या फिर आपको उसका एक्सरे स्कैन करके दिया जाए, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट डायरेक्ट बोन मिल सकता है, सेकंड आपको उसका एक्सरे मिल सकता है। द ब्रोकन बोन एंड ऑफ द बोन प्रोट्रूड थ्रू द स्क्रीन स्किन, कन्वर्सली अ क्लोज्ड सिंपल फ्रैक्चर डज नॉट ब्रेक द स्किन। बच्चे दो तरह के फ्रैक्चर हम यहां पर कह रहे हैं। एक बात कर रहे हैं हम ओपन फ्रैक्चर, तो आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दिस इज अ ओपन फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें जो बोन है वो बोन ने क्या किया, स्किन को ब्रेक करके और बोन स्किन से बाहर आ चुका है। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें स्किन को बोन, फ्रैक्चर्ड बोन स्किन को पेनिट्रेट करके और स्किन से बाहर आ जाती है, उसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, और दूसरा टाइप का क्लोज फ्रैक्चर। बच्चे ओपन फ्रैक्चर के लोगों को इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो इन विच टाइप ऑफ द फ्रैक्चर द मोस्ट चांसेस फॉर इन्फेक्शन इन दिस ओपन फ्रैक्चर? देन इसी को कहा जाता है ओपन फ्रैक्चर को ही कंपाउंड फ्रैक्चर। तो क्या नाम है इसी का? कंपाउंड फ्रैक्चर। तो बोथ टू इमेजेस शोविंग द ओपन फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर। सेकेंड, यू आर सीइंग अ फ्रैक्चर हियर, इन दिस बोन इज क्रस्ट, द बोन इज स्प्लिंटर्ड क्रश और ब्रोकन इन टू द पीसेस एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड स्मॉलर बोन फ्रेगमेंट द बिटवीन टू मैन फ्रेगमेंट्स। बच्चे बोन यदि क्रश हो गया है, बोन का बिल्कुल क्रशिंग हो जाता है जब बोन काफी सारे पीसीज में ब्रेक हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। बच्चे इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अंडरस्टैंड? तो आइडेंटिफाई दिस इमेज, देन आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्चर, दिस इज अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, अ पार्शियल फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड द अदर साइड बेंड, सिमिलर टू द वे अ ग्रीन ट्विग ब्रेक ऑन वन साइड वाइल द अदर अदर साइड स्टे होल बट द बेंड अकर्स ओनली इन द चिल्ड्रन हुज बोन आर नॉट फुली ऑसिफाइड एंड कंटेन मोर ऑर्गेनिक मटेरियल देन इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो गाइज यहां से तीन क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सबसे पहला इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अ बोन दैट कंटेन्स द मोर ऑर्गेनिक मटेरियल देन इनऑर्गेनिक मटेरियल हैव चांसेस फॉर, मोस्ट कॉमन चांसेस फॉर विच फ्रैक्चर? तो ऐसी बोन जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक से ज्यादा होता है, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए अ वन साइड ऑफ द बोन गोट फ्रैक्चर्ड एंड द अदर साइड इज बेंड, दूसरी साइड मुड़ जाए, एक साइड फ्रैक्चर हो जाए, तो इस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो फिर आंसर होगा ग्रीनिस्टिक। दूसरा, इसी क्वेश्चन को कहा जाता है काफी ज्यादा बार जो पूछा गया है, विच इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोस्ट कॉमनली कौन से फ्रैक्चर होते हैं? तो दैट इज ऑल्सो ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर वन एंड ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन इज फोर्सफुली ड्राइवन इनटू द इंटीरियर ऑफ द अदर। बच्चों एक ऐसा फ्रैक्चर जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये फ्रैक्चर्ड बोन है और द फ्रैक्चर्ड बोन इज ड्राइवन इनटू द अनदर बोन, इंटीरियर ऑफ द अदर बोन। एक बोन जब टूट करके किसी दूसरी बोन के इंटीरियर में धस जाती है, तो ऐसा फ्रैक्चर इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। इसी फ्रैक्चर को आप टेलीस्कोपिक फ्रैक्चर भी कहते हो। क्या कहते हो? टेलीस्कोपिक,
या फिर इंपैक्टेड फ्रैक्चर। तो दिस बोन शोविंग द इंपैक्टेड या टेलीस्कोपिक फ्रैक्चर। ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस इमेज। देन पॉट्स फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन फिबुला विथ सीरियस इंजरी ऑफ द डिस्टल टीबियल आर्टिकुलेशन। तो बच्चों, जिसमें टीबिया को ओनली इंजरी हुआ हो, टीबिया में ओनली इंजरी, और फ्रैक्चर कौन सी बोन में हुआ हो, फिबुला में, तो फिबुला गॉट फ्रैक्चर्ड, फिबुला का डिस्टल एंड। ध्यान रखना, यदि डिस्टल एंड ऑफ फिबुला गॉट फ्रैक्चर्ड एंड इंजरी इन टीबिया, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये बोन देख रहे हैं आप, फिबुला, लेटरल साइड का जो फिबुला बोन है, इसमें यहां फ्रैक्चर हो रहा है, और जो टीबिया है, टीबिया में ओनली इंजरी है। तो जब इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं, तो दिस फ्रैक्चर इज पोर्ट्स फ्रैक्चर। क्या कहलाता है बच्चों? पोर्ट्स फ्रैक्चर। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर कौन सी बोन से रिलेटेड फ्रैक्चर है? ये फ्रैक्चर होता है टीबिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डिस्टल एंड ऑफ द लेटरल बोन फिबुला और टीबिया। तो टीबिया और फिबुला से रिलेटेड फ्रैक्चर होता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर बच्चों? पोर्ट्स फ्रैक्चर। एक्सरे में भी शो हो रहा है, ये यहां पर फ्रैक्चर पॉइंट है, दैट इज द फ्रैक्चर लाइन, ये फ्रैक्चर लाइन है यहां पर। तो दैट इज फिबुला और टीबिया, टीबिया इंजर्ड एंड फिबुला फ्रैक्चर्ड, दिस फ्रैक्चर इज पोर्ट्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट होता है नामी फ्रैक्चर, ये भी। तो कुछ नामी फ्रैक्चर एग्जाम के अंदर काफी पूछे जा रहे थे, इस वजह से नामी फ्रैक्चर आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। नामी में पोर्ट्स और कोलीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलीज फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द लेटरल फोरआर्म बोन रेडियस एंड विच डिस्टल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली। बच्चों, यदि अगर आर्म का रेडियल, रेडियल का फ्रैक्चर हो, लेटरल फोरआर्म बोन रेडियस, रेडियस में क्या हुआ हो, रेडियस गॉट फ्रैक्चर्ड, यदि रेडियस फ्रैक्चर होता है, तो दिस फ्रैक्चर, द कोलीज फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। कोलीज किसका फ्रैक्चर है? कोलीज रेडियस का फ्रैक्चर है। देन आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग इमेज। तो बच्चे, फर्स्ट इमेज शोविंग द नॉर्मल बोन, ये जो फर्स्ट इमेज है, दिस इमेज इज शोविंग द नॉर्मल बोन, एंड दिस सेकेंड इमेज इज शोविंग द ऑस्टियोपोरोटिक बोन। तो आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस इज ऑस्टियोपोरोटिक बोन। ओके, दिस इमेज शोविंग द ऑस्टियोपोरोटिक बोन। नेक्स्ट, दिस इज द बोन, दिस इज अ यू शेप बोन, आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोन। तो दिस इज द हायोर्ड बोन। बच्चों, ये यू शेप का जो बोन हम देख रहे हैं, दिस बोन इज हायोर्ड बोन, इस बोन का नाम है हायोर्ड बोन। देन स्पाइना बाइफिडा इज कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन विच लेमिना ऑफ L5 और या फिर S1 फेल टू डेवलप नॉर्मली एंड यूनाइट एट द मिडलाइन। द लीस्ट सीरियस फॉर्म इज कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इट अकर्स इन L5 और S1 एंड प्रोड्यूस नो सिम्टम। तो यहां से एक तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा का, दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की मोस्ट कॉमन साइट L5 या S1। L5 या S1 याद रखना, L5 एंड S1 इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, अ कंजेनाइटल वर्टिब्रल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट स्कोलियोसिस, आइडेंटिफाई दिस डिफॉर्मिटी इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का इस डिफॉर्मिटी का क्या नाम है बच्चे? तो दिस डिफॉर्मिटी शोविंग द स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस द मोस्ट कॉमन ऑफ द एबनॉर्मल कर्व। Most common of the abnormal curve is a lateral bending of the vertebral column, usually in the thoracic region. Thoracic region में vertebral column के lateral bending को कहते हैं बच्चों scoliosis। क्या कहा जाता है? Scoliosis. It may result from congenitally present at the birth, malformed vertebra, chronic sciatica, pain in the lower back and lower limb, paralysis of the muscles on one side of vertebral column and poor posture, one leg being shortened than the other. एक पैर छोटा एक पैर बड़ा रह जाता है, इस तरह के क्लिनिकल फीचर होंगे बच्चों स्कोलियोसिस वाले कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, दिस इमेज इज शोविंग द काइफोसिस। ये जो सेकंड इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज द डिफॉर्मिटी इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये है बच्चों काइफोसिस, और इट इज एन इंक्रीज इन द थोरेसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम दैट प्रोड्यूस द हम्प बैक। पीछे एक कुबड़ निकल जाती है, कुबड़ का निकल जाना क्या कहलाता है? हम्प बैक। हम्प बैक,
और ये हम्प बैक कई कंडीशंस में बनता है। हम्प ऑफ बैक सुप्रा क्लेविकुलर फैट डिपोजिशन हो जाता है ना, सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। किसमें? कुशिंग सिंड्रोम वाले क्लाइंट्स के अंदर। कुशिंग सिंड्रोम वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें भी तो हम्प ऑफ बैक, बफेलो हम्प जो आप सुनते हो, कुशिंग सिंड्रोम का फीचर है ना बफेलो हम्प, तो बफेलो हम्प के केस में भी क्या होता है, काइफोसिस हो जाता है। तो काइफोसिस ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन वर्टिब्रल बॉडीज में पार्शियली कॉलेप्स कॉजिंग एन एक्यूट एंगुलर बीइंग ऑफ द बॉडी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो टर्म हम्प बैक, हंच बैक या काइफोसिस। काइफोसिस द एक्सट्रीम कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रास। नेक्स्ट यू आर सीइंग लॉर्डोसिस, समटाइम कॉल्ड एज द होलो बैक। तो बच्चे काइफोसिस को कहते हैं हंच बैक और लॉर्डोसिस को कहा जाता है होलो बैक। क्या कहते हैं? होलो बैक। इंक्रीज इन द लंबर कर्व, ये कहाँ होता है? लंबर कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड वेट ऑफ द एब्डोमेन एज इन द प्रेगनेंसी और एक्सट्रीम ओबेसिटी। तो प्रेगनेंसी या एक्सट्रीम ओबेसिटी में कौन सा वर्टिब्रल डिफेक्ट हो सकता है? तो प्रेगनेंसी या फिर एक्सट्रीम ओबेसिटी के कारण लॉर्डोसिस के चांसेस होते हैं। ये लंबर कर्व में होने वाला डिफॉर्मिटी है, इसके अंदर इसे कहा जाता है होलो बैक। क्या बोलते हैं? होलो बैक, पुअर पोस्चर, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। ये कुछ और अदर कंडीशंस हैं जिनमें लॉर्डोसिस होता है। तो पुअर पोस्चर के केस में जब प्रॉपर पोजिशनिंग में नहीं बैठते उठते हो आप तो उस वजह से होता है, रिकेट्स में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के क्लाइंट्स में होता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, ऐसे लोगों को भी लॉर्डोसिस की संभावना काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ये तीनों इमेजेस एक साथ में शो कर रहा हूं। फर्स्ट इमेज जस्ट शोविंग द काइफोसिस, सेकेंड इमेज इज शोविंग द लॉर्डोसिस एंड थर्ड इमेज इज शोविंग द स्कोलियोसिस। तो यदि अगर तीनों इमेज एक साथ देकर के आपसे कहें कि आइडेंटिफाई द स्कोलियोसिस, देन थर्ड इमेज शोविंग द स्कोलियोसिस, सेकेंड इज लॉर्डोसिस एंड फर्स्ट इज काइफोसिस। ठीक है बच्चों, देन डेफिशियंसी ऑफ विच बी विटामिन इज लिंक्ड टू स्पाइना बाइफिडा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना ज्यादा उचित समझता हूँ कि साहब बता दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा था। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी स्पाइना बाइफिडा से एसोसिएटेड होता है। तो स्पाइना बाइफिडा का मेन कौन सा विटामिन इससे रिलेटेड है? तो फॉलिक एसिड की कमी से होता है मेनली स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट, विप्लैस इंजरी किसे कहते हैं? टू द नेक रीजन ड्यू टू द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन। बाय सीवियर हाइपर एक्सटेंशन विप्लैस इंजरी, विप्लैस इंजरी कौन से ऑर्गन का इंजरी है? टू द नेक रीजन ड्यू टू द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन बैकवर्ड। नेक को ज्यादा जोर से बैक की तरफ यदि कर दिया जाए, नेक को ज्यादा जोर से बैकवर्ड मूवमेंट करवा दिया जाए तो दैट इंजरी इज कॉल्ड विप्लैस इंजरी। तो केवल याद रखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके बच्चों, विप्लैस इंजरी इज अ इंजरी इन द नेक रीजन। देन आपसे कहा जाएगा लेमिनेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव अ वर्टिब्रल लेमिना। वर्टिब्रल लेमिना को सर्जिकली रिमूव करना लेमिनेक्टोमी कहलाता है। इट मे बी परफॉर्म टू असेस द वर्टिब्रल केविटी एंड रिलीव द सिम्टम ऑफ द हर्नियटेड डिस्क। तो यदि अगर केस पूछ लिया जाए, हर्नियटेड डिस्क वाला केस, हर्निया का केस, दूसरा है टू रिलीव द टू वर्टिब्रल असेस द वर्टिब्रल केविटी, वी नीड टू डू द लेमिनेक्टोमी। लेमिनेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेमिना। क्रेनियोटोमी क्या होती है? सर्जिकल प्रोसीजर इन विच पार्ट ऑफ द क्रेनियम इज रिमूव्ड। इट मे बी परफॉर्म टू रिमूव अ ब्लड क्लोट, ब्रेन ट्यूमर, सैंपल ऑफ द ब्रेन टिश्यू फॉर बायोप्सी। देन क्रेनियोस्टेनोसिस, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ वन और मोर क्रेनियल सूचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 टू 20 मंथ ऑफ लाइफ रिजल्टिंग इन अ डिस्टॉर्टेड स्कल। बच्चों यहां पर की टर्म्स याद रखिए, डिस्टॉर्टेड स्कल किसका फीचर है? क्रेनियोस्टेनोसिस का फीचर है। क्रेनियोस्टेनोसिस कब बोलेंगे? जब सूचर्स प्रीमैच्योर एज में ही क्लोज हो जाए। तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द सूचर, सूचर्स के प्रीमैच्योर क्लोजर को क्रेनियोस्टेनोसिस कहते हैं। प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ सूचर्स बिफोर 18 से 20 मंथ ऑफ एज, 18 से 20 महीने का बच्चा हो उससे पहले ही प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ सूचर। तो पहला क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिए, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन कैन बी, चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रेनियोस्टेनोसिस। ओके,
नेक्स्ट है कायरो प्रैक्टिस, ये टर्म एम्स के अंदर भी पूछा हुआ टर्म था एक बार। कायरो प्रैक्टिस क्या होता है? अ होलिस्टिक हेल्थ केयर डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द नर्व मसल एंड बोन्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट, ऐसे लोग जो किस, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो किससे रिलेटेड फोकस करते हैं, नर्व मसल एंड बोन्स से रिलेटेड वर्क करने वाले डॉक्टर्स को कायरो प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कायरो प्रैक्टिस। ओके बच्चों, आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट दैट परमिट द ग्लाइडिंग मूवमेंट। यहां पर ये इमेज शो किया हुआ है और इस इमेज में ये शो करके बताना है कि विच टू ज्वाइंट्स परमिट द ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर एट द इंटर कार्पल ज्वाइंट। सबसे पहला तो इंटर कार्पल, कार्पल बोन्स के बिटवीन जो मूवमेंट होते हैं वो इंटर कार्पल मूवमेंट्स ग्लाइडिंग है। दूसरा इंटर टार्सल। ओके, तो इंटर टार्सल एंड इंटर कार्पल के बिटवीन कौन से मूवमेंट होते हैं? ग्लाइडिंग टाइप के मूवमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे, यू आर सीइंग अ डिवाइस ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी जो अभी तक किए उससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैगजीन मेलगेन इन 1847 इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रैक्शन। तो सबसे पहला ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था बच्चे मेलगेन, और इसने किया था 1847 में। विच ग्रेस्प द बोन इटसेल्फ, ही यूज द मेलगेन्स हुक। तो आपसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। इसका क्या नाम है? इस डिवाइस का नाम है बच्चों मेलगेन हुक। क्या कहते हैं इसको? मेलगेन हुक। ओके, मेलगेनी हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज द बॉलर्स स्ट्राइपर विद स्टैंडमैन पिन। ये क्या है? स्टैंडमैन पिन्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? दिस इज द स्टैंडमैन पिन। These are Stanman's pin. Clear? What is the name of this device? This is the Bowler Brown frame. इसको कहा जाता है Bowler Brown frame, Bowler Brain from. Okay? बॉलर ब्राउन फ्रेम। दिस इज इमेज इज शोविंग द स्क्रीन ट्रैक्शन। स्टैंडमैन पिन कर लिया। दिस इमेज इज शोविंग द स्क्रीन ट्रैक्शन। आज क्लास पूरा 12 बजे तक चलने वाला है बच्चों, ध्यान रखना। टाइम कितना हुआ? 11:50 और तेरी तो 12:30 तक क्लास चलने वाली है आज। फिर तो आप तैयार हो पढ़ने के लिए? बोलो यार, 12:30 तक क्लास चलेगी, 12:30 तक। तैयार हो तो कंटिन्यू करें, वरना क्विट करें लेक्चर को। लेक्चर क्लोज करूं क्या? बोलो यार, तैयार होना पढ़ने के लिए। 12:30 तक क्लास चलेगी, 12:30 तक। ठीक है, क्योंकि आज ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। मस्कुलोस्केलेटल को मैं हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये बहुत बेहतरीन यूनिट है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर तो। ओके, दिस इज स्किन ट्रैक्शन। दिस इमेज इज शोविंग द स्किन ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट इमेज है स्किन ट्रैक्शन का। दिस इमेज इज शोविंग द नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इमेज? दिस इज नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन। ओके बच्चों, नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन। यहां पर ट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है, दिस इज नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन। दीज आर द स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन, मोबाइल सिरा, फिक्सिंग स्क्रू और ट्रैक्शन पिन, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है।
ट्रैक्शन पिन यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ये ट्रैक्शन पिन है, ट्रैक्शन पिन और फिक्सिंग स्क्रू, और स्क्रू यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो स्क्रू और पिन की मदद से जो बॉन में डायरेक्टली आप पिन अप्लाई करोगे तो दिस इज स्केलेटल ट्रैक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्किन और स्केलेटल ट्रैक्शन में डिफरेंस पता चला। ये होती है बच्चों स्टैनमैन पिन, ये 2-स्टार क्वेश्चन है। इसका नाम है स्टैनमैन पिन। क्या नाम है बच्चों? स्टैनमैन पिन। दिस इज स्टैनमैन पिन। आर इज स्टेनलेस स्टील पिन ऑफ वेरिंग लेंथ 4 to 6 mm डायामीटर। इस पिन की लेंथ कितनी होती है? 4 to 6 mm डायामीटर। स्टैनमैन पिन का डायामीटर होता है 4 to 6 mm। कितना? 4 to 6 mm। ठीक है बच्चे। द बॉलर स्ट्राइड अप अलाउ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक्शन टू द चेंज विदाउट टर्निंग द पिन इन द बॉन। इसका इस तरह की जो शेप होती है ना, इसमें बिना किए हम पेशेंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक्शन, डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक्शन, बिकॉज स्टैनमैन पिन की इंपॉर्टेंस क्या है? वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन विदाउट चेंजिंग द टर्निंग द पिन इन द बॉन। बॉन में पिन को टर्न किए बिना ही। इस पिन का नाम है स्टैनमैन पिन। ओके, नेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं बॉलर सिरप विद स्टैनमैन पिन, आइडेंटिफाई दिस। दिस इज बॉलर, बॉलर्स सिरप विद स्टैनमैन पिन। दिस डिवाइस इज बॉलर सिरप विद स्टैनमैन पिन। बच्चों स्टैनमैन पिन एंड बॉलर सिरप डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट। दिस इज डेनहम पिन। इस पिन को क्या कहा जाता है? ये यहां इस पिन का इमेज शो किया हुआ है आपको। You are seeing a pin and this pin is applied in the tibia. तो इस तरह से इस पिन को अप्लाई किया जाता है। ये जो यहाँ पर ये इमेज बना हुआ है, ये टीबिया बोन को शो किया हुआ है मैंने, और टीबिया में आपने इस पिन का यूज किया हुआ है। देखो, तो इस पिन का नाम होता है बच्चों डेनहम, डेनहम पिन। ओके, स्टैनमैन पिन, बॉलर्स पिन एंड डेनहम पिन। Similar to Stanman pin, except for a short threaded length situated in the center and held in the introducer. बीच में से अगर आपको इस तरह के स्क्रू जैसे नजर आए ना यहाँ पर, तो पहचाना कि भाई ये Stanman pin नहीं है। जबकि Stanman pin अभी आपने देखा, ये Stanman pin में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है बीच में। चूड़ियां जो कहते हो ना आप, चूड़ियां, चूड़ियां नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल स्मूथ पिन होती है Stanman pin। जबकि जो आप देख रहे हैं ये बॉलर्स सिरप स्टैनमैन पिन, ये कहलाता है बॉलर सिरप, ठीक है, और ये है स्टैनमैन पिन। ओके, बॉलर सिरप विद स्टैनमैन पिन। फिर इसके बाद हम शो कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर डेनहम पिन। डेनहम पिन में और स्टैनमैन पिन में डिफरेंस इतना ही है कि ये जो देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर, ठीक है। तो डेनहम पिन के अंदर क्या है? बीच में इस तरह के स्क्रैच होते हैं, चूड़िया होती है, जिसपे से होकर इसको कसा जाता है नट की तरह, बोल्ट की तरह। ओके, देन आप जो डिवाइस देख रहे हैं ये कहलाता है के वायर, के वायर स्ट्रेनर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? दिस इज के वायर स्ट्रेनर। This is K wire strainer. Okay, बच्चे? K wire strainer का full form है Kirschner's, Kirschner's wire, Kirschner's wire या K wire, K wire या Kirschner's wire. तो Kirschner's wire या K wire strainer. Okay, बच्चों? Is very important. ये भी काफी महत्वपूर्ण question हो सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, मोस्ट कॉमन साइट्स आपसे कहा जा रहा है। तो पहला साइट है ओलेक्रेनन, फर्स्ट साइट, नाम याद रखो ओनली, ओलेक्रेनन। सेकंड साइट है मेटाकार्पल। स्केलेटल ट्रैक्शन जहां जहां, जब हम बॉडी पर स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं ना,
तो स्केलेटल ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है और इमेज बेस्ड भी हो सकता है। तो पहला आप ध्यान रखें, ओलेग रेनन इज द फर्स्ट साइट, सेकेंड इज द मेटाकार्पल। स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए थर्ड साइट होता है अपर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ फीमर, देन लोअर एंड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ फीमर, देन अपर एंड ऑफ टीबिया, देन लोअर एंड ऑफ टीबिया एंड कैल्केनियस। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन? बच्चों स्केलेटल ट्रैक्शन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इंफेक्शन इनटू द बोन, तो स्केलेटल ट्रैक्शन का फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इंफेक्शन, याद रखना। दूसरा इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ पिन, इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ पिन, दैट इज द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्केलेटल ट्रैक्शन। दूसरा लार्ज ट्रैक्शन फोर्स, लार्ज ट्रैक्शन फोर्स, दिस इज द थर्ड कॉम्प्लिकेशन, ये क्या कर सकता है, लिगामेंट्स को डैमेज कर सकता है। यदि ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया जाए तो इट विल डैमेज टू द लिगामेंट, क्या डैमेज कर देगा बेटा, लिगामेंट्स को डैमेज कर देगा दोस्तों, बात समझ में आ गई। एपिफाइसियल ग्रोथ को भी डैमेज हो सकती है बोन में या जॉइंट में स्टिफनेस आ सकता है। तो व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रैक्शन, फर्स्ट मोस्ट फेमस है इंफेक्शन, दूसरा हो सकता है इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ पिन, दूसरा लार्ज फोर्स यदि हो तो इट कैन डैमेज टू द लिगामेंट, इट कैन डैमेज टू द एपिड्यूरल ग्रोथ और इट विल कॉजेज द स्टिफनेस इन द बोन। ओके नेक्स्ट काउंटर ट्रैक्शन। बच्चे ये जो ट्रैक्शन देख रहे हैं जिसपे फिक्स ट्रैक्शन इन थॉमस स्प्लिंट, ये थॉमस स्प्लिंट लगा हुआ है और थॉमस स्प्लिंट को ट्रैक्शन में फिक्स किया हुआ है, तो जस्ट थॉमस स्प्लिंट एंड फिक्स इनटू द ट्रैक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज द थॉमस स्प्लिंट एंड फिक्स इनटू द ट्रैक्शन। ओके देन बक्स ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन यूज्ड इन द टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ, बक्स ट्रैक्शन कौन कौन से केसेस में यूज किया जाता है, फिमोरल नेक फ्रैक्चर्स में, फिमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर में, यूनि डिस्प्लेस्ड ऑफ द एसिटाबुलम, पेल्विक ट्रैक्शन। तो ध्यान रखिए आप, तो ये बक्स ट्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्किंस ट्रैक्शन, पार्किंस ट्रैक्शन इज यूज्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, टीबिया के फ्रैक्चर में विच ट्रैक्शन इज यूज्ड, पार्किंस ट्रैक्शन कौन सा ट्रैक्शन बच्चों, पार्किंस ट्रैक्शन। ओके नेक्स्ट हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रैक्शन, दिस इज द हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन। टुलोच ब्राउन ट्रैक्शन, क्या नाम है इसका, टुलोच ब्राउन ट्रैक्शन। स्टेनमैन पिन की मदद से प्रॉक्सिमल टिबिया पर इस ट्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है, कहां पर, प्रॉक्सिमल टिबिया का ट्रैक्शन है तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रैक्शन, दिस ट्रैक्शन इज द प्रॉक्सिमल टिबिया, ट्रैक्शन ऑफ दिस प्रॉक्सिमल टिबिया, स्टेनमैन पिन की मदद से इस ट्रैक्शन को करेंगे। 90/90 ट्रैक्शन, इस ट्रैक्शन में जो लेग्स का पोजीशन बनता है नी जॉइंट का, वो 90 डिग्री पर बनता है, इसलिए इस ट्रैक्शन का नाम होता है 90/90 ट्रैक्शन। तो 90/90 ट्रैक्शन यूजिंग अ बिलो नी प्लास्टर कास्ट, नी के नीचे क्या लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर ध्यान रखना कास्ट अप्लाई किया होगा, तो नी बिलो द नी द प्लास्टर कास्ट इज अप्लाइड एंड देन द ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड, तो द जस्ट दिस ट्रैक्शन इज कॉल्ड 90/90 ट्रैक्शन। यूज इन द फीमर विद वुंड ओवर द पोस्ट एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर वुंड हो और फ्रैक्चर हो फीमर में, तो फीमर के फ्रैक्चर के लिए जस्ट 90/90 ट्रैक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ब्रायंट्स ट्रैक्शन, ब्रायंट्स ट्रैक्शन का एक और नाम होता है गैलो ट्रैक्शन,
ब्रायंट्स या गैलोस्ट्रेक्शन, दिस इज मॉडिफाइड ब्रायंट। ये ट्रैक्शन ध्यान रखना, ब्रायंट तो काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, बार बार काफी बार पूछ लिया गया है। अब यदि अगर नया क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, वो ब्रायंट का मॉडिफाइड हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया जा सकता है बच्चों, मॉडिफाइड ब्रायंट ट्रैक्शन, ब्रायंट का मॉडिफाइड ट्रैक्शन। ओके, देन स्लाइडिंग ट्रैक्शन इन बॉलर, स्लाइडिंग ट्रैक्शन इन बॉलर ब्रेन फ्रेम, ये ब्राउन फ्रेम। नेक्स्ट देखिएगा, लेटरल अपर फिमोरल ट्रैक्शन, ये ट्रैक्शन पुली लगाया हुआ है। तो व्हाट इज व्हिच टाइप ऑफ दिस ट्रैक्शन, व्हिच टाइप ऑफ दिस ट्रैक्शन, दिस ट्रैक्शन इज लेटरल अपर फिमोरल ट्रैक्शन, लेटरल अपर फिमोरल ट्रैक्शन। ओके, दिस इज पेल्विक ट्रैक्शन, दिस इज पेल्विक ट्रैक्शन एंड यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सुप्राकोंडाइलर डनलॉप ट्रैक्शन, दिस इज मेटाकार्पल पिन ट्रैक्शन, दिस इज मेटाकार्पल पिन ट्रैक्शन, मेटाकार्पल पिन ट्रैक्शन, स्पाइनल ट्रैक्शन, सर्वाइकल स्पाइन, स्केलेटल ट्रैक्शन, स्कल ट्रैक्शन, हेल्टर ट्रैक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल, मैक्सिमम वेट हेल्टर ट्रैक्शन में यूज कर सकते हो 1.4 से 2.3 केजी तक। दीज आर द हेल्टर्स, दीज आर हेल्टर्स ट्रैक्शन, इन ट्रैक्शन को हेल्टर ट्रैक्शन कहते हैं, याद रखना नाम आ सकता है बच्चों, हेल्टर ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्रच टॉग, ये क्या है, क्रच टोंग्स, कॉन और बैटन टोंग्स, इसको क्या, विच इज दिस डिवाइस, दिस डिवाइस इज कॉन और बैटन टोंग्स, रिकमेंडेड ट्रैक्शन वेट, मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट, ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग, लर्न कर लेना बाद में स्किप करके। मिनिमम वेट C1 पे ट्रैक्शन, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक बताया हुआ है, C7 तक अलग अलग वेट अप्लाई किया जा सकता है। देन हेलो स्प्लिंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्प्लिंट, दिस इज हेलो स्प्लिंट, ठीक है, हेलो स्प्लिंट, दिस इज हिप स्पाइका, ये इंपॉर्टेंट इमेज हो सकता है हिप स्पाइक का, इस पे स्टार दे रहा हूं मैं, हिप स्पाइक का यूज इन द फ्रैक्चर ऑफ फीमर, बच्चों कब यूज करते हैं, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फीमर फ्रैक्चर में यूज किया जाता है हिप स्पाइक का। देन दिस इज द सिलेंडर ट्यूब कास्ट, इस तरह का जो ट्यूब कास्ट अप्लाई किया जाता है पूरा पैर पे, बिल्कुल गोल सिलेंड्रिकल, तो दिस इज कॉल्ड सिलेंडर ट्यूब कास्ट, सिलेंडर या ट्यूब कास्ट कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है, सिलेंडर या ट्यूब कास्ट, पटेला में फ्रैक्चर हो जाता तब ऐसा करते हैं, इसे कहते हैं कॉलीज कास्ट, क्या कहा जाता है बच्चे, ये जो कास्ट अप्लाई किया जा रहा है कॉलीज कास्ट। ग्लास होल्डिंग कास्ट, दिस कास्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कास्ट, दिस इज ग्लास होल्डिंग कास्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कास्ट, इट इज द ग्लास होल्डिंग, ये स्कैफोल्ड फ्रैक्चर पे काम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर पे काम आता है, दिस इज ग्लास होल्डिंग कास्ट। थॉमस टेस्ट, आइडेंटिफाई दिस टेस्ट, दिस इज थॉमस टेस्ट, दिस इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, ये क्लब फुट वाले बच्चों को अप्लाई करते हैं, क्लब फुट वाले बच्चों को, क्लब फुट के बच्चों के लिए, विच इज यूज्ड डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, ये जो स्प्लिंट है यहां पर, ये इस तरह की, क्लियर, दिस स्प्लिंट इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट यूज करते हैं क्लब फुट वाले क्लाइंट्स को। कोक अप स्प्लिंट, दिस स्प्लिंट इज कोक अप स्प्लिंट, रेडियल नर्व पाल्सी वाले पेशेंट्स को इस स्प्लिंट को अप्लाई किया जाता है,
दिस स्प्लिंट इज अप्लाइड फॉर रेडियल नर्व पाल्सी. ओके बच्चों, कोक अप स्प्लिंट, कोक अप स्प्लिंट इज अप्लाइड फॉर रेडियल नर्व पाल्सी. देन यू आर सीइंग द नंकल बेंडर स्प्लिंट. अल्नर नर्व और मीडियल नर्व इंजरी में इस तरह का स्प्लिंट अप्लाई करते हैं, अल्नर, अल्नर या फिर मीडियल. व्हेन अल्नर या मीडियल नर्व इंजरी व्हिच स्प्लिंट इज प्रेफर्ड, यू विल आंसर सर नकल बेंडर स्प्लिंट. नकल बेंडर स्प्लिंट कहते हैं इसको. टर्न बकल या वॉकमैन स्प्लिंट, ये इसका इमेज पहले भी मैं शो कर चुका हूं. इस स्प्लिंट के दो नाम है, टर्न बकल भी कहते हैं, टर्न बकल भी इसको कहा जाता है, या फिर इसे वॉकमैन स्प्लिंट कहते हैं, वॉकमैन स्प्लिंट या टर्न बकल सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में. बच्चे दैट इज द एरोप्लेन स्प्लिंट. इसमें जो हैंड इस तरह से होता है ना एरोप्लेन पोजीशन में, तो दिस टाइप ऑफ स्प्लिंट. और ये पूरा वेस्ट एरिया पे स्प्लिंट अप्लाई किया हुआ है, तो वेस्ट एरिया पूरा कवर है और यहां से बेल्ट होती है और बेल्ट के साथ में ये पूरे हैंड को कवर करके रखता है. तो बेल्ट के साथ स्प्लिंट लगा हुआ है, तो दैट इज यूज्ड ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी. कब इस तरह का स्प्लिंट अप्लाई करते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी. तो जब बच्चों ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है, तो मैं थ्योरेटिकल भी कवर करवा रहा हूं यहां से बच्चों, थ्योरेटिकल भी आंसर आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ ही बता रहे हैं, क्योंकि आपको इससे बेटर इमेज बेस्ड मस्कुलोस्केलेटल इससे परफेक्ट मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान में कोई और आपको पढ़ाएगा. राइट, जितने इमेज बेस्ड मस्कुलोस्केलेटल से या थ्योरेटिकल जो एडवांस क्वेश्चन है, देखो दिल्ली एम्स का लेवल और नर्सिंग का लेवल अब सिंपल नहीं रहा बच्चों. यदि अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थोड़ा अपने लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा. यदि बेस्ट लेवल से प्रिपरेशन करेंगे तो जिंदगी में कभी भी घबराओगे नहीं. और वही छोटी मोटी चीजें पढ़ते रहो आप, यदि अगर हल्की फुल्की ही ऐसी पढ़ाई करते रहे तो हमेशा ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बनी रहेगी. और एम्स दिल्ली कुछ 5-10 जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है वो कुछ एडवांस क्वेश्चन देता है, और श्योर कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. राइट बच्चों, दिस इज ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी, एरोप्लेन स्प्लिंट कहते हैं इसको. दिस इज मिल्क वेव ब्रास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों. स्कोलियोसिस वाले क्लाइंट्स को अप्लाई किया जाता है, स्कोलियोसिस वाले पेशेंट्स को अप्लाई किया जाने वाला ब्रास कौन सा ब्रास है? मिल्क विक ब्रास जस्ट मिल्विक ब्रास इज अप्लाइड इन केस ऑफ स्कोलियोसिस एंड वॉन रोशन स्प्लिंट. What is the name of this splint? ये इस तरह का splint होता है ऐसा जो बच्चे की back पे हम apply कर देंगे इस तरह का. ये देखो यहाँ लगाया हुआ है, ये बच्चे पर apply किया हुआ है इस तरह का. Okay? तो इस तरह का जो splint है ये यहाँ पर बनाया हुआ है. What is the name of this device? ये है von Rosen splint. ये कब apply करते हैं? जिसको होता है developmental dysplasia of hip. बच्चों developmental dysplasia of hip, in this condition we apply the von Rosen splint. Von Rosen splint is used in case of the developmental dysplasia of hip. Okay बच्चों, then is the pelvic harness. ये भी pelvic harness देख रहे होंगे बच्चे पर, pelvic harness apply किया हुआ है. ये first बच्चा, second इस बच्चे को भी pelvic harness apply किया हुआ है. तो इस तरह की जो device होती है इसको कहते हैं pelvic harness. pelvic harness कब apply करते हैं? जिसको developmental dysplasia of hip, hip में developmental dysplasia हो तब apply किया जाता है pelvic harness. okay बच्चों, देन थंब स्पाइका स्प्लिंट तो पहले भी बता चुका हूं मैं. ये एक तो मेटाकार्पल फ्रैक्चर पर अप्लाई करते हैं, स्केफोइड फ्रैक्चर वाले क्लाइंट्स को अप्लाई करते हैं, और गेम कीपर थंब कहते हैं इसको. गेम कीपर थंब क्या कहते हैं? GKT, गेम कीपर थंब.
नेक्स्ट फिगर ऑफ एट बैंडेज, ये जो बैंडेज का शेप आता है ये एट के शेप में आता है, तो दैट इज द एट बैंडेज। इस बैंडेज का क्या नाम होता है बच्चों? एट बैंडेज कहते हैं। और ये कब अप्लाई करते हैं? क्लेविकल फ्रैक्चर के केस में। कब अप्लाई किया जाता है? क्लेविकल फ्रैक्चर वाले क्लाइंट्स को। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेलपोस सिंह एंड स्वैत, तो जस्ट यूज्ड इन द एक्रोमिनो क्लेविकुलर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन में इस तरह की स्लिंग अप्लाई किया जाता है। स्लिंग, जस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्लिंग? दिस स्लिंग इज वेलपोस स्लिंग। देन ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन में कंपैरेटिव डिफरेंस। बच्चों स्किन ट्रैक्शन में माइल्ड टू मॉडरेट फोर्स अप्लाई किया जाता है और इसमें मॉडरेट टू सीवियर फोर्स अप्लाई किया जाता है। स्किन ट्रैक्शन के लिए मैक्सिमम 3 to 4 kg वेट होता है, स्केलेटल ट्रैक्शन में 20 kg तक वेट अप्लाई किया जा सकता है। स्किन ट्रैक्शन को एडेसिव टैप की मदद से लगा सकते हो और स्केलेटल ट्रैक्शन में स्टैनमैन पिन या के वायर की आवश्यकता होती है। ओके, एडेसिव टैप या के वायर की मदद से हम अप्लाई करते हैं दोनों को। तो के वायर स्केलेटल में चाहिए, स्किन ट्रैक्शन के लिए ओनली एडेसिव टैप चाहिए। ओके, स्किन ट्रैक्शन के टाइप्स देखना कौन कौन से? बक्स ट्रैक्शन और गैलो ब्रायंट। बक्स, गैलो और ब्रायंट ट्रैक्शन कौन से स्किन ट्रैक्शन है? क्रचिफाइड टॉक्स, एलाइजर वायर एंड डुनहम पिन, ये सब स्केलेटल ट्रैक्शन है। नेक्स्ट देखना स्प्लिंट। स्प्लिंट किसे कहते हैं बच्चों? स्प्लिंट, स्प्लिंट उस मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को। व्हाट इज द स्प्लिंट? एनी मटेरियल यूज्ड टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर नोन एज स्प्लिंट। फ्रैक्चर्ड बोन को यदि अगर आपने हाथ से भी पकड़ लिया ना ऐसे, तो ये हाथ भी स्प्लिंट है। तो स्प्लिंट क्या होता है? ऐसा कोई भी मटेरियल जो फ्रैक्चर्ड मटेरियल को, चाहे आपने अपना हैंकी निकाल के अगर फ्रैक्चर्ड पार्ट पे अगर बांध दिया ना, तो बच्चों ऐसा कोई भी मटेरियल जो फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो हर चीज स्प्लिंट है। ओके, और तेरी तो अर्पित वर्मा, अर्पित वर्मा बेटा, लव यू रितिका यादव। कौन है रितिका यादव को लव करने वाला तू बेटा? अर्पित वर्मा थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे यार, रात को क्या नशा चढ़ गया क्या तेरे को बुगली की क्लास का? देखिएगा, तो इसे कहते हैं स्प्लिंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। क्रैमर वायर स्प्लिंट, इसको क्या कहते हैं? क्रैमर वायर, क्रैमर, क्रैमर वायर स्प्लिंट। क्या नाम है बच्चों? क्रैमर वायर स्प्लिंट। ओके, नेक्स्ट बॉहलर ब्रायन स्प्लिंट, ये तो पहले ही दिखा चुका हूं मैं। ये है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट जो बच्चे को अप्लाई करते हैं क्लब फुट वाले को। सोमी ब्रास कहते हैं इसको, इसको बोला जाता है सोमी ब्रास। तो नाम नाम भी याद कर लोगे तो काफी आपके इमेज बेस कवर हो जाएंगे पूरे। ये है एश ब्रास, इस ब्रास को एश ब्रास कहा जाता है। ये है बच्चों टेलर्स ब्रास, क्या है? टेलर्स ब्रास। ओके, बोस्टन ब्रास, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका क्या नाम है? बोस्टन, बोस्टन ब्रास, ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रास हो सकता है, अलग अलग टाइप के ब्रास हैं। ओके, के वायर, कॉमन साइड्स ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आई थिंक पूरी कोशिश की मैंने अपनी तरफ से,
कि आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा कवर करवा दूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कवर भी हो गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि पूरे 270 बच्चे आप जब से 2 घंटे से क्लास अटेंड कर रहे हो, 2.25 घंटे क्लास को हो चुके हैं, और 2.25 घंटे से पहले 400 425 बच्चे अटेंड कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को नींद आ गई, और अभी करीब आप में से फिर भी अभी 270 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, इज अ वेरी ग्रेट फिगर। ओके बच्चों, और थैंक यू सो मच। यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और कल से न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। और संडे कल टेस्ट भी है आपका, यू नो ना, कल आप जानते हो आपका टेस्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, यस और नो, तो कल टेस्ट भी दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बुगली को सपोर्ट करने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया दोस्तों, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखना दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि अगर आप मेरे रियल फ्रेंड्स हैं तो वाकई मेरी मेहनत को आप लिख करके जरूर बयां करना एक बार, शब्दों में बयां देखना चाहता हूँ, शब्दों में बयां करना बयां किया हुआ देखना चाहता हूँ कि वाकई कितना बेस्ट किया है या कितना बेस्ट नहीं किया, तो कमेंट बॉक्स